को है, लेकिन इसमें ज्यादातर लोग वैज्ञानिक या तरह के हैं, कुछ मेडिकल डॉक्टर हैं, तो लेकिन शायद उन्हीं को सबसे ज्यादा सामाजिक चेतना भी होती है। नहीं, देखिए ऐसा है कि जो वास्तव में साहित्य का धंधा करता है वो बड़ा बेईमान होता है, और जो ये वैज्ञानिक होते हैं वो ईमानदार होते हैं, वो भी बेईमानी नहीं करते। काम में भी बेईमानी नहीं चलती और शब्दों में भी बेईमानी नहीं चलती। वहां उपमाओं से काम नहीं चलता है, काम करना पड़ता है। इसलिए मैं समझता हूं कि जब कोई वैज्ञानिक लेखक बनता तो बढ़िया लेखक बनता है। चलिए, आपकी बात हो सकता है सही हो। नहीं तो नहीं गिरीश बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। जी, हम रमेश जी, आप खुद अपना परिचय दें तो अच्छा। गिरीश जी, आप इन्हीं को पहले रख रहे हैं ना, हाँ चलिए, आज आके पहले। के प्रभु का नाम लेके आज के महफिल का शुभारंभ किया जाता है। रमेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका आभार हम व्यक्त करते हैं। पूरे महफिल के सदस्य हैं, आपने आकर के हमारे महफिल में चार चांद लगाए। और क्या है कि हमारी महफिल पिछले 2 साल से भी ऊपर चल रही है, 2.5 साल हो गए मुझे लगता है, और हमारे महफिल में परंपरा रही है। हम बाहर के कवियों को बुलाते हैं, बाहर के गायक कलाकारों को बुलाते हैं। तो हमारे कुछ शायद हमारी जो बदकिस्मती रही कि हम अभी आप तक को नहीं बुला पाए, लेकिन आज हमारी किस्मत बदल गई है। इसलिए मैं आपके ये आग्रह करता हूँ आपसे, मेरे रिक्वेस्ट है कि आप अपनी कोई रचना सुनाइए या अपने बातों से कुछ हमारे को ज्ञान ध्यान कीजिए। आपका नहीं स्वागत नहीं है। ज्ञान 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 तो जो वो है बुद्ध वाली बात है कि भैया अपने दीपक खुद बनो, अप दीपो भव, ये खुद भी तो ही दीनी रास्ता बात ढूंढो, खुद ही अपने अंदर उजाला पैदा करो। कोई किसी को ज्ञान नहीं देता है, और जब दूसरा देता है तो वो भटका भी सकता है। इसलिए ये है। आप रात को इतनी देर से हाँ, आशा एक तो जोड़े हैं, ये है इसलिए कि बहुत हाँ नहीं, बड़ा। यहाँ 11 बज रहे हैं और सारे दिन से यही कार्यक्रम चल रहा है, कहीं कुछ और वो एक ही तरह की बातें रिपीट होती रही हैं। लेकिन सबसे पहले तो मेरी उत्सुकता ये है कि भाई मैं जरा सबको देख लूँ, सबके बारे में जान लूँ, यदि आप लोगों को कोई असुविधा ना हो, परेशानी ना हो। तो एक तो उत्सव जी के पास तो बैठी हुई है, तो अनुमान लगा सकता हूं मैं। फिर ये नमस्कार, विम्मी जैन है, इनका नाम भी मैंने सुना है, देखा भी है। हाँ, नॉर्थ ईस्ट ओहायो के कार्यक्रमों में देखा है मैंने इनको। और आप तो हैं गिरीश जी, ये पारिक जी हैं, बातें हुई इनसे, चेहरा आज देख रहा हूँ पहली बार। और बस इतने ही लोग हैं हम। और हमारे अनूप कुमार जी हैं, हमारे नरेंद्र जी हैं, हमारी वंदना जी हैं, हमारे अंजू जी हैं। अरे सो भाई, तो वो सब आप मैं ऐसी व्यवस्था करो कि मैं देख भी सकूं नाम के साथ हाँ साथ। तो मैं सबसे आग्रह करूंगा कि अपने आप को इंट्रोड्यूस कीजिए। अनूप जी आप अपने को इंट्रोड्यूस कीजिए प्लीज, आप म्यूट पे हैं। जोशी जी नहीं देख पा रहे हो क्योंकि उन्होंने ग्रिड व्यू नहीं देखा हाँ होगा। हाँ नहीं, मैं नहीं, ये मैं तो देख तो आपको पहले भी पा रहा था जी लेकिन जी सुन नहीं पा रहा था। अच्छा, वो मैंने माइक्रोफोन बंद किया हुआ था। तो अच्छा, अच्छा जी मैं यहाँ गिरीश जी के साथ क्लीवलैंड स्टेट यूनिवर्सिटी में मैं भी पढ़ाता हूँ, अच्छा 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 और वैसे तो शुरू में विज्ञानिक ही था, फिर वहाँ से निकलकर मैं अब पॉलिटिकल कम्युनिकेशन पढ़ाता हूँ और उसी के ऊपर शोध करता हूँ। हाँ खैर, जी ये बहुत बड़ी बात है। यदि आदमी इस फील्ड में ईमानदारी से काम करे तो बहुत बड़ा फील्ड है और बहुत जरूरी फील्ड है आज के जमाने में कि जिसमें अच्छे लोग आए, क्योंकि उनके न आने से वो दूसरे जरूरी कामों में लगे रहे तो ये राजनीति सारी दुनिया की खराब हो चुकी है। इसलिए अच्छे लोगों को आना चाहिए, इसमें अच्छी बात है कि आप आए हैं। और मैं यही समझता हूं कि इस वक्त जो एक पूरी दुनिया में टर्बोइल चल रहा है, किसी भी नाम से, चाहे वो धर्म के नाम से हो, चाहे नस्ल के नाम से हो, या और किसी नाम से हो, तो उसके बारे में भी आपकी जरूर कोई ना कोई थिंकिंग होनी चाहिए। और ये जो प्लूरलिस्टिक सोसाइटी है अमेरिका में सबसे ज्यादा है इस वक्त, और उसको मतलब किस तरह से रेशनल बनाया जा सकता है वहां की पॉलिटिक्स को इस प्लूरलिज्म के लिए, ये इसके बारे में भी यदि आप लिखेंगे। क्योंकि तो अक्सर क्या होता है कि लोग बाग कविता और कहानी को ही साहित्य समझते हैं,
लेकिन साहित्य का मतलब सारी इंसानियत है, सारी कायनात है, सारी सृष्टि साहित्य का अंग है, और इस सृष्टि में जो भी हैं वो भी साहित्य का अंग है, उनके सुख दुख वो भी साहित्य का अंग है। इसलिए वो आने चाहिए। आप ये कभी मत सोचिए कि भाई मैं विज्ञान का आदमी हूं। आप विचारशील व्यक्ति हैं और विचारों की ही जरूरत होती है सबसे पहले। आजकल साहित्य ज्यादातर वो लोग लिख रहे हैं जिनके पास कोई विचार है ही नहीं, और जब विचार नहीं है तो लिखेंगे क्या। जब हम पढ़ते थे साहित्य को तो सबसे पहले उसकी फिलोसॉफी पढ़ते थे कि भाई इस कवि की फिलोसॉफी क्या है, तो वो विचार से साहित्य बनता था उनका। आजकल क्या है कि दो तुक मिलाकर के आदमी सोचता है कि कविता हो गई। भाई कोई विचार तो होगा उसके पीछे, जब विचार होगा तो अपने आप को फोर्स करेगा। आप चाहे प्रोज में लिखेंगे, पोएट्री में लिखेंगे, पेंटिंग करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो वो आएगा। तो ये बहुत अच्छा लगा कि आपका रुझान पॉलिटिक्स की तरफ हुआ है, और डेफिनेटली मुझे और कुछ भी ज्यादा जानने को मिलेगा यूएस के बारे में। बाकी तो अंदाज लगाते हैं कितना सही होता है वो, कितना नहीं होता। चलिए फिल्म में आगे बढ़ाते हुए मैं प्रार्थना करता हूँ श्रीमती अंजू बंसल जी से, अपना परिचय करवाइए प्लीज। आप म्यूट पे हैं। नाम तो बताई दिया, अंजू है, अंजू बंसल नाम है हमारा, और हम नए जुड़े हैं इस महफिल से। लेकिन आप सुशीला जी वाले कार्यक्रमों में मैंने शायद देखा है कभी आप? नहीं, सुशीला जी के कार्यक्रमों में नहीं आए आप? नहीं, हम नहीं। अच्छा, नहीं से। अच्छी बात है, देर आए दुरुस्त आए। चलिए मैं अनुरोध करता हूँ वंदना जी से, वंदना भारद्वाज अपना परिचय दीजिए। नमस्ते, मैं यहाँ पे हाई स्कूल में बायोलॉजी पढ़ाती हूँ, और हिंदी संडे स्कूल जो है किरण जी का, उसमें हिंदी पढ़ाती हूँ। और आई थिंक दो हफ्ते पहले मैंने एक मेल आई थी मेरे, मुझे सुशीला जी की, उसमें आपका नाम भी था, वंदना भारद्वाज करके मैंने देखा था आपका। आप जयपुर से हैं राइट रमेश जी? अच्छा, है ना? कब हाँ, छोड़ा उन्होंने आपने? मुझे एक मेल भेजा था, जयपुर कब छोड़ा नाम था, और उन्होंने मुझे कहा था आपसे बात करने के लिए, तो मुझे समय नहीं मिला। तो हाँ हाँ, कुछ बात चली थी, ऐसी चली थी बात, मैं कर नहीं पाई थी, लेकिन कभी करूंगी मैं तो। नहीं देखिए, ये बहुत जरूरी है कि लोग आपस में मिलें, और जब चतुर्वेदी जी ने मुझे बताया कि हम लोग मिलते हैं, अक्सर मिलते हैं, तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप देखेंगे कि जो धार्मिक धार्मिक स्थान है, उनका महत्व भगवान को ढूंढने में नहीं है, लोग वो आपस में इंसानों के मिलने से भगवान अपने आप ही प्रकट हो जाता है। इसलिए वो लोगों के मिलने का स्थान पहले होता है, भगवान का नंबर बाद में आता है। तो इसको बनाए रखिए, मिलते रहिए, विचारों का आदान प्रदान कीजिए, तो निश्चित रूप से कुछ बेहतर बनेगा, कुछ हमारे जो कंफ्यूजन है वो दूर होंगे, कुछ कॉम्प्लेक्सेज है वो दूर होंगे। तो इसलिए मिलना बैठना बहुत जरूरी है, और ये साहित्य की शुरुआत यहीं से होती है, अकेला कुछ नहीं होता। तुलसीदास जी जब घर छोड़ के निकल गए तो कभी बने, घर में रहते तो शायद कभी नहीं बनते वो। ठीक है भाई, हाँ धन्यवाद वंदना जी। अब मैं आग्रह करता हूँ हमारे इसमें अपील के सितारे नरेंद्र जी से, आग्रह करता हूँ अपना परिचय देने के प्रयास कीजिए। प्रणाम जोशी जी। नमस्कार भाई। मैं यहाँ क्लीवलैंड में 12-13 सालों से रहता हूँ, और कभी आपसे मुलाकात नहीं हुई, तो ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं हुआ। पर आपके बारे में को नहीं जानता, यहाँ पे अखबार हम पढ़ते हैं तो आपका नाम दिखता रहता है। साहित्यिक दृष्टि से तो मैं नगण्य हूँ, ऐसा कोई हमने पढ़ा नहीं है। कंप्यूटर में काम करते हैं, बट जैसा आपने कहा था, विचार अपने हों, विचार अपने जरूर मेरे उन्मुक्त है। एक जैसे शेर, मुझे उस विचार से यही याद आता है कि ले देख अपने पास फकत एक नजर ही तो है, क्यों देख जिंदगी को किसी की नजर से हम। तो बशीर बद्र साहब का ये शेर मुझे ऊर्जा देता है कि मैं भी अपने ख्यालों को अपने तरीके से देखूं और किसी से इन्फ्लुएंस ना हो। बस यही छोटा सा परिचय है मेरा। नहीं नहीं देखो, ये बहुत अच्छी बात है, और मैं तो सबसे यही कहता हूं कि आदमी की जिंदगी के कई डायमेंशन होते हैं। ये शरीर है,
तो विचार होंगे। तो शरीर को कायम रखने के लिए आपको भोजन भी चाहिएगा, नौकरी भी चाहिएगी, सब कुछ चाहिएगा, तो वो भी जरूरी है। लेकिन सब कुछ मिल जाएगा तब फिर आप करेंगे क्या, सोचेंगे क्या, 8 घंटे की ड्यूटी के बाद 16 घंटे क्या करेंगे? तो उसके लिए कुछ आपके दिमाग में भी होना चाहिए। खाली दिमाग शैतान का घर हो जाता है, इसलिए उस खाली वक्त को भरने के लिए साहित्य और इतिहास और फिलोसॉफी, ये 3 चीजें बहुत जरूरी हैं। और मैं आपको कहूँगा कि आप जिस भाषा में भी पढ़ सकते हैं पढ़िए। घर में 2-4 अच्छी डिक्शनरी रखिए, अगर इंग्लिश की तो मिल जाएगी, लेकिन हिंदी की अभी तक कोई ऐसी डिक्शनरी नहीं है जो वर्ल्ड क्लास डिक्शनरी कही जा सके। तो आज के दिन करें कि हम हिंदी की बात तो करते हैं लेकिन हिंदी में मेटीरियल बहुत कम है। एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका जैसा हिंदी के पास कुछ भी नहीं है। तो आप जैसे लोग हैं जो सोचें, जिस भाषा में भी पढ़ सके पढ़ें, और निश्चित रूप से जब विज्ञान की दुनिया से आदमी आएगा तो वो बहुत सिस्टमेटिक काम करेगा। तो आपको कंप्यूटर के अलावा, वो तो ठीक है 8 घंटे का आपका काम है, लेकिन 24 घंटे में से 16 घंटे के लिए कुछ रखिए। तो फिलोसॉफी, हिस्ट्री और लिटरेचर, इन 3 चीजों को बहुत अच्छी तरह से पढ़िए। और जब आप बशीर बद्र को पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब कहीं रास्ता तो साफ है। चलिए धन्यवाद। अब मैं आग्रह करूंगा हमारे महफिल के स्तंभ तस्नीम लोखंडवाला जी से अपना मुखड़ा दिखाइए और अपना परिचय दीजिए। आज हमारे गेस्ट ऑनर हैं श्री जोशी जी। मैं और मुश्ताक दोनों साथ में ही हैं। रमेश जी, आपको तो अच्छी तरह से जानते हैं, बहुत बार मुलाकात हुई है, आपके हाथों की दी हुई दोनों आपका फोटो नहीं दिख रहा है, वैसे मैं आपको देख चुका हूँ, आपको सुन भी चुका हूँ। गुलाब जी ने करवाया था, फर्स्ट टाइम मैं आपसे वही मिली थी, और मैंने आपसे कहा भी था कि आप अपनी कविता को लिख करके मुझे दीजिए, लेकिन आपने दी नहीं, अभी भी नहीं दिख रहा है, मैंने खोल आपका फ्रेम फ्रोज़न है। रमेश जी, करूंगी जैसे ही वक्त मिला कभी तो जरूर आपको लिख के दूंगी। आपका हमारी महफिल में आना हमारा सौभाग्य है। थैंक्स टू उत्सव जी, कि आप आए हैं, हमें बहुत अच्छा लग रहा है, आपकी बातें सुन के भी बहुत अच्छा लग रहा है। और नहीं, मुझे भी अच्छा लग रहा है कि अगले साल आऊंगा तो मैं किन किन से मिलूंगा। जी हाँ रमेश जी, एक्चुअली आज सपत्नीक है आप लोग, सपरिवार हैं? जी हाँ, मैं और मुश्ताक बोल। जी हाँ, मैं मुश्ताक हूँ, हम लोग कभी नेचर वॉक के लिए जा रहे हैं और आपका परिचित भी हो रहा है। बस अभी घर पहुंचने ही वाले हैं, आई डोंट नो आपको सुनाई दे रहा है या नहीं बिकॉज ऑफ द कनेक्टिविटी, पर कहना चाह रही थी कि मैं इतना ज्यादा लिखती नहीं हूँ, मैं तो सिर्फ अपने भाव प्रस्तुत कर लेती हूँ, जो भी मुझे सोशल लाइफ के ऊपर कुछ लगता है या अपने घर की कोई बात होती है तो वो लिखने का मेरी ज्यादा रुचि है उसमें। और मैं मोस्टली तकनीकी चीजों पर ध्यान नहीं देती हूँ, धीरे धीरे इन महानुभवों से सीख रही हूँ जो हमारे हिंदुस्तानी महफिल में है, इन लोगों से धीरे धीरे। आवाज साफ नहीं आ रही है भाई। तस्नीम जी, आप घर पहुंचिए फटाफट। हाँ, अच्छा अच्छा, तस्नीम आवाज नहीं आ रही तेरी। अब मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हमारे पद्मनाभन जी से, पैडी जी से। आज पैडी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हमारे आज गेस्ट ऑफ ऑनर है जोशी जी, जो कि विश्वा के संपादक हैं। आज वो हमें कुछ ज्ञान दे रहे हैं और हमें अपनी नई रचना भी सुनाएंगे, मुझे आशा है। हाँ, मुझसे आप क्या, मैं क्या कहूँ अभी, बस मैं बहुत, आप बहुत अपना परिचय दीजिए। हाँ, परिचय, अच्छा अच्छा, मैं, मेरा नाम पद्मनाभन है, पद्मनाभन भी बोल सकते हैं आप,
वैसे मुझे लोग पैडी से नाम पैडी नाम से जानते हैं, पैडी तो मुझे नाम इंडिया में दिया गया था। नहीं, आप पद्मनाभ का अर्थ समझाएंगे तो लोगों को बहुत अच्छा लगेगा, उन्हें समझाइए मीनिंग। आजकल नामों के मीनिंग लोग नहीं जानते हैं इसलिए एंजॉय नहीं कर पाते। नहीं मैं समझा, बताइए कि ये विष्णु विष्णु का सिनोनिम है, बताइए उन्हें। मैं जरूर सबको बताता हूँ, लेकिन पैडी जो है यहाँ लोगों के लिए बहुत आसान है, तो इंडिया में ही मुझे वो निक नेम कहिएगा, वो मिला, मुझे मिला था वो JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में, तो वहाँ वहीं से मेरा नाम पैडी हो गया है। तो मैं, आप JNU के प्रोडक्ट हैं? JNU के प्रोडक्ट हूँ मैं। बहुत अच्छा लगा भाई, बहुत बढ़िया लगा। लेकिन वहाँ कंप्यूटर साइंस किया मैंने, तो अच्छा अच्छा, तो उसके बाद नौकरी हो गई, तो दिल्ली में नौकरी की, फिर US आ गए। नहीं नहीं, कंप्यूटर तो आप कहीं भी पढ़ सकते हैं, नहीं, लेकिन JNU कुछ अलग चीज है। वो रियल स्टूडेंट्स तैयार करता है। चलिए, तो यही है मेरा परिचय, मैं यहाँ। हाँ नहीं, बहुत अच्छा लगा मुझे। अमेरिका में हूँ 25 साल से, और बस इतना ही है। और मैं वैसे कविता हिंदी में तो नहीं लिखता मैं, लेकिन हिंदी कविता मैं कभी कभी पढ़ के या रट के सुना देता हूँ। मैथिली शरण गुप्त जी का जो पंचवटी प्रसंग है वो कभी कभी सुनाता हूँ। हाँ। तो मैं गाने गाता हूँ, तो आज भी मैं एक गाना प्रस्तुत। नहीं, लेकिन आप जितनी हिंदी जानते हैं हम उसका हजारवा हिस्सा भी तमिल नहीं जानते, इसलिए हमसे बेहतर हैं आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद, बिल्कुल ठीक फरमाया आपने, बिल्कुल ठीक कहा। अब मैं, मेरा अनुरोध है कि नीलमा जी आपको अपने का अनम्यूट कीजिए और अपना कृपया परिचय दीजिए। हाँ नमस्ते, मेरा नाम नीलिमा है, मैं तेज की पत्नी हूँ और मैं केस वेस्टर्न में काम करती हूँ। ये आपका परिचय तो नहीं है कि आप तेज की पत्नी हैं? अब तो ये गलत बात है, नीलिमा तो गलत बात है। नीलिमा जी तेज जी आपके पति हैं, अर्धांगी आधा आधा। लेकिन ये पारिको में सिंह कहाँ से आ गए भाई? हाँ वो गड़बड़ हो गई। रमेश जी ये प्रेम का भाव है। अच्छा अच्छा, क्या आपने इसमें कुछ और प्रतीक चुना इनके लिए, सिंह कहाँ से आ गया है भाई? जब प्रेम होता है तो सिंह पारिकों की मान में बैठते हैं और बैठते हैं, ये प्रेम का मामला। नीलमा जी माफ कीजिए, आगे बढ़िए। हाँ तो मैं कविताएं सुनती हूँ, मैं श्रोता हूँ, यहाँ लिखती तो हूँ। श्रोता कहाँ मिलते हैं आजकल, कवि ज्यादा है श्रोता कम है, कवि ज्यादा है श्रोता कम है। तो बस यही मेरा परिचय। हाँ अच्छा, तो आपसे मिलके अच्छा लगा। मुझे लगता है कि हमारे सारे महफिल के सदस्यों का इंट्रोडक्शन हो चुका है, परिचय हो चुका है, तो मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आग्रह करता हूँ कि जोशी जी आप कुछ ना कुछ नया सुनाइए हमें। मैं जरूर सुनाऊंगा। और आज क्या है कि वो पोती आज ही दिल्ली गई है, आपके US आ रही है वो पढ़ने के लिए, परिचय के लिए। और परिचय तो अब इन्होंने बता दिया, मैं राजस्थान का, मेरा जन्म है, और रोटी रोजी के लिए बच्चों को पढ़ाने के लिए हिंदुस्तान में जगह जगह घूमता रहा, पोरबंदर से पोर्ट ब्लेयर तक। और बेटा चूंकि 90 से ही US में है, तो पिछले 20 सालों से US आना जाना लगा रहता है। और जब ये अंतर्राष्ट्रीय हिंदी समिति वालों से परिचय हुआ तो इन्हें कोई आदमी नहीं मिल रहा था, तो उन्होंने मुझे ये विश्वा वाला काम दे दिया, और 2012 से वो काम कर रहा हूँ और आना जाना होता रहता। पिछले साल भी आया था मैं, जब न्यूजर्सी में अधिवेशन हुआ था 2019 में, मई 2019 में। उसके बाद फिर ओहायो भी आया था मैं, ये क्वींसबर्ग है जहाँ मेरा बेटा रहता है, क्लीवलैंड के, और ये पास ही है क्वींसबर्ग, काउंटी कौन सी है मुझे पता नहीं है। जी हम एक क्वींसबर्ग के पास ही रहते हैं, बड़े सारे लोग पास में रहते हैं। अच्छा, हमारे से नेक्स्ट टाउन है वो। अच्छा अच्छा, तो मैं आता जाता रहता हूँ, अब भी आया था और हो सकता है नेक्स्ट ईयर भी आऊं मैं।
अधिवेशन क्लीवलैंड में ही होगा ओहायो चैप्टर की तरफ से, तो मैं शायद आऊं। बात लिखने पढ़ने की बात है तो पिछले 60 सालों से भी ज्यादा से समझ लीजिए कि लिखने पढ़ने का चल ही रहा है, लेकिन चूंकि एक जगह टिकना नहीं हुआ तो वो उस तरह से वो पहचान नहीं बनी। लेकिन लिखना पहचान के लिए नहीं होता, लिखना अपनी संतुष्टि के लिए होता है। जब कुछ आपको चाहिए साहित्य से तो फिर आप पहचान के चक्कर में पढ़ते हैं। तो लिखता हूँ, छपता हूँ, पढ़ता हूँ, पढ़ते रहना बहुत जरूरी है। और साहित्य का कोई नियम नहीं होता है, यदि आप अपनी बात ईमानदारी से कहते हैं तो मैं समझता हूँ कि वो लोगों तक पहुँचती है। आप किसी भी रूप में कहिए, यदि आप झूठ बोलेंगे तो वो अपील नहीं करेगी, यदि आप सच बोलेंगे तो वो बात आपको अपील करेगी। झूठ बोल करके भी अपील हो सकती है, लेकिन वो बहुत कन्फाइंड हो जाएगी, किसी एक जगह तक सीमित हो जाएगी। जैसे राहत इंदौरी बहुत अच्छे शायर हैं, अभी पिछले महीने ही उनकी डेथ हुई है, कई बहुत अच्छी रचनाएं भी लिखी हैं उन्होंने, लेकिन वो मुशायरों में एक खास कम्युनिटी के लोग होते हैं, और उस कम्युनिटी को खुश करने के लिए जिस तरह से वो अपनी बात रखते थे तो उसका मीनिंग दूसरा भी निकल सकता था। जैसे वो एक बहुत प्रसिद्ध शेर है उनका कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, बहुत सुना होगा आप लोगों ने, बहुत सुना है। हिंदुस्तान तो भाई किसी के बाप का नहीं है, और है तो सबके बाप का है। दुनिया के सारे धर्मों के लोग यहाँ मिल जाएंगे और सब आराम से रहे हैं, तो और ये दुनिया ही किसी एक की नहीं है। मैं समझता हूँ कि एक वायरस से लेकर के हाथी तक सबकी है ये दुनिया, जो इस दुनिया में आया है उस इस दुनिया में उसका हिस्सा है, आप उसे इस अधिकार से वंचित नहीं कर सकते। तो जब वो ये कहते हैं कि किसी के बाप का हिंदुस्तान थोड़ी है, तो मुझे वो, क्योंकि जब उनकी डेथ हुई थी पिछले महीने और बार बार ये शेर रिपीट किया जा रहा था, तो वैसे पढ़ने में अच्छा लगता है कि भाई आप एक आदमी को कॉर्नर करोगे, एक कम्युनिटी को कॉर्नर करोगे, तो ये उसकी लैंग्वेज हो जाएगी, डेफिनेटली हो जाएगी। क्योंकि जैसे आप लोग अमेरिका में रहते हैं, आपका देश अब भी है, आप कभी भी आ सकते हैं, आप देश से दूर नहीं हुए हैं और देश आपसे दूर नहीं हुआ। लेकिन जो हजार साल पहले जो कम्युनिटी आ गई और यहाँ के आदमी को बाहर की कोई भाषा नहीं आती, कहाँ जाएगा वो? इसलिए जब कोई कॉर्नर हो जाता है तो ऐसी लैंग्वेज हो जाती है, लेकिन साहित्य में ऐसी चीज नहीं आनी चाहिए जिसका थोड़ा सा भी उल्टा सीधा अर्थ हो। जैसे उनका एक एक, एक शेर और भी है कि हमारे ताज अभी भी अजायब घरों में रखे हैं। तो भाई किसके ताज और किसके तख्त यार, तुम यहां पैदा हुए हो, हम यहां पैदा हुए हैं, इतना बहुत है, ताज की बात क्यों करते हो, ताज तो अब रहे ही नहीं। खैर, तो उसको पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि भाई इस बात को हम दूसरी तरह से भी कह सकते हैं। साहित्य को छोटा नहीं होना चाहिए, साहित्य को ऐसा होना चाहिए कि उसमें सबको स्पेस मिल जाए अपना, सब उसको अपना समझ सके, साहित्य ऐसा होना चाहिए। तो जहां तक साहित्य की फिलोसॉफी की बात है, तो इस रचना के संदर्भ में आपको कह रहा हूं कि भाई मुझे जो लगा कि इस बात को किसी और दूसरी तरीके से कहा जा सकता है, तो वो कुछ लाइनें हैं, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। और डेफिनेटली हमारा दृष्टिकोण ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हिंदुस्तान में भी सारे नमूने हैं और अमेरिका में भी सारे नमूने हैं, तो छोटी सोच से ना हिंदुस्तान चलेगा ना अमेरिका चलेगा, और इस तरह का डिस्टर्बेंस दोनों ही मुल्कों में है। इसलिए हमारी सोच को साफ करने के लिए मैं समझता हूं कि इस कविता को आप बहुत राइट स्पिरिट में लें और इस बात को समझने की कोशिश करें। स्वागत है आपका। बात बहुत लंबी हो गई है, लेकिन अब कविता लंबी नहीं है। हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों इस तुक में मिल जाते हैं, लेकिन मैंने हिंदुस्तान पाकिस्तान का यूज नहीं किया है, कि न अफ्रीका न अमरीका न इंग्लिस्तान लिखना है, न अफ्रीका न अमरीका न इंग्लिस्तान लिखना है, न जर्मन रूस या जापान या ईरान लिखना है, न अफ्रीका न अमरीका न इंग्लिस्तान लिखना है, न जर्मन रूस या जापान या ईरान लिखना है, सभी की माँ है ये धरती,
सभी को इसने पाला है, सभी की माँ है ये धरती, सभी को इसने पाला है, इसी के पुण्य पृष्ठों पर इसी का गान लिखना है। क्या बात है, बहुत अच्छे। इसी के पुण्य पृष्ठों पर इसी का गान लिखना है, न पाकिस्तान लिखना है, न हिंदुस्तान लिखना है, ये मिलाया जा सकता था, लेकिन मैंने नो इंग्लिश छोड़ दिया उसको। क्या सूरज चांद तारों पर किसी ने नाम लिखा है? क्या बात है, क्या बात। क्या सूरज चांद तारों पर किसी ने नाम लिखा है? अगर लिखना जरूरी है तो बस इंसान लिखना है। अरे वाह वाह वाह, क्या बात, क्या बात है, क्या बात। क्या सूरज चांद तारों पर किसी ने नाम लिखा है? अगर लिखना जरूरी है तो बस इंसान लिखना है। बहुत खूब, बहुत बहुत, क्या बात। जो बांटे हमको नस्लों जात धर्मों और फिरकों में, जो बांटे हमको, हम नहीं बांटते हैं लेकिन लोग अपने स्वार्थ के लिए हमें बांटते हैं, जो बांटे हमको नस्लों जात धर्मों और फिरकों में, वही सबसे बड़ा खतरा। क्या बात, वही सबसे बड़ा खतरा। जो बांटे हमको नस्लों जात धर्मों और फिरकों में, वही सबसे बड़ा खतरा, उसे शैतान लिखना है। क्या बात, क्या बात, अच्छे, बहुत अच्छे, बहुत खूब। गिरे को जो सहारा दे, गिरे को जो सहारा दे, पिलाए प्यास को पानी, गिरे को जो सहारा दे, पिलाए प्यास को पानी, वो कोई भी हो, वो कोई हो, कहीं का हो, उसे भगवान लिखना है। क्या बात, क्या बात, बहुत बढ़िया जोशी, बहुत को। गिरे को जो सहारा दे, गिरे को जो सहारा दे, पिलाए प्यास को पानी। प्यास का धर्म नहीं होता है कि ये हिंदू की प्यास है और ये मुसलमान की प्यास है। गुरु गोविंद सिंह की सेना में एक था भाई कन्हैया, नाम सुना होगा शायद आपने, भाई कन्हैया। उसकी ड्यूटी थी कि युद्ध में जो भी घायल हैं उनको पानी पिलाए जी। तो वो सबको पानी पिलाता था। अब वो हिंदू है, कौन है, उसे क्या मतलब, भाई जो पानी मांगता है, जिसको पानी चाहिए पानी पिला देता। तो लोगों ने शिकायत की कि गुरुजी ये तो जो है इसका तो दिमाग खराब हो गया, ये मुसलमानों को भी पानी पिलाता है। तो गुरुजी ने उसको पूछा कि भाई कन्हैया क्या बात है? तो बोला कि गुरुजी मुझे तो जो प्यासा दिखता है उसको मैं पानी पिला देता हूँ, आपने तो पानी पिलाने के लिए कहा था, तो जो पानी पीना चाहता उसको पानी पिला देता हूँ। तो गुरुजी ने कहा कि भाई इसको कुछ मत कहो, ये ज्ञान की जिस अवस्था में पहुंच गया है वहां हम लोग अभी नहीं पहुंचे हैं, इसलिए इसको इसका काम करने दो। और उसको एक मरहम की डिबिया और दी कि भैया कोई किसी के घाव हो तो उस पर लगा भी देना ये मरहम। तो ये है, प्यास को पानी चाहिए और जिसको प्यास है, जो प्यास है उसे पानी मिलना चाहिए। पानी के लिए भी यदि हम धर्म पूछने लगे तो भाई बहुत मुश्किल हो जाएगी। खैर, तो गिरे को जो सहारा दे, गिरे को जो सहारा दे, पिलाए प्यास को पानी, वो कोई हो, कहीं का हो, उसे भगवान लिखना है। क्या बात, क्या बात। सभी एक डाल के पंछी, सभी एक डाल के पंछी, यही सबका बसेरा है। सभी एक डाल के पंछी, यही सबका बसेरा है, यही सबका अकीदा है। अकीदा माने विश्वास, ये फेथ है सबका कि ये हमारा है, हम इसके हैं और हमारा अटूट रिश्ता है, ये फेथ है। यही सबका अकीदा है। और जब विश्वास होता है तो वो विश्वास जब बहुत पक्का हो जाता है तो हम उसको धर्म मान लेते हैं कि बस ये हमारी ड्यूटी है, हमें ये करना है, फिर वो तर्क नहीं करता। तो सभी इस डाल के पंछी, यही सबका बसेरा है, यही सबका अकीदा है, इसे ईमान लिखना है, इसे धर्म बना लेना है। यही सबका अकीदा है, इसे ईमान लिखना है। जहां पर धर्म का जो रोल चल रहा है, पोप लीला एक शब्द चला करता था, आप लोगों को याद हो कि नहीं, हम लोग जब छोटे थे तो पोप लीला शब्द आया करता था, मुहावरों में भी आता था।
कि जहां पर वो टिकट वो लेटर लिखा करते थे पोप पैसे के हिसाब से कि वहां आपको क्या स्टेटस मिलेगा, तो जहां पर स्वर्ग की जन्नत की टिकटें बेची जाती हों, हम भी बेचते हैं कि भैया इतना दान करेगा तो फला स्वर्ग में जाएगा और ये सब होता है। जहां पर स्वर्ग की जन्नत की टिकटें बेची जाती हों उसे लाला का घर समझो, उसे दुकान लिखना है। क्या बात, क्या बात, क्या बात। धार्मिक स्थान नहीं है। बहुत अच्छा। जहां पर स्वर्ग की जन्नत की टिकटें बेची जाती हों उसे लाला का घर समझो, उसे दुकान लिखना है, न हिंदुस्तान लिखना है न पाकिस्तान लिखना है। और दो आखिरी पंक्तियां हैं वो देखिएगा कि जब हम सब एक ही हैं, कोई फर्क नहीं है, क्योंकि भूख प्यास मरने का भय, संतान पैदा करना, अपने संतान की रक्षा करना, उसको बड़ा करना, ये इंस्टिंक्ट सब में है। इसलिए हम किसी को कम नहीं आंक सकते, किसी के दुख सुख को कम नहीं मान सकते। और जब ये भाव होता है तो आपस में मिल बैठ के सारी चीजें खुल जाती हैं। लेकिन जब हम मास्टर और सर्वेंट वाला रिश्ता बना लेते हैं तो गड़बड़ हो जाती है। तो उसी बात पर ये खत्म करता हूं मैं कि जहां बस हुक्म चलता हो, जहां बस हुक्म चलता हो, जहां संवाद गायब हो, कोई बात नहीं करता, ऑर्डर दिया जाता है बस। जहां पर हुक्म चलता हो, जहां संवाद गायब हो, उसे आबाद क्या लिखना, उसे शमशान लिखना है। क्या बात, क्या बात, बहुत बहुत। जहां बस हुक्म चलता हो, जहां संवाद गायब हो, उसे आबाद क्या लिखना, उसे शमशान लिखना है, न हिंदुस्तान लिखना है न पाकिस्तान लिखना है। अगर लिखना जरूरी है तो बस इंसान लिखना है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत 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 प्यारे विचार हैं आपके, बहुत सुंदर, बहुत ही अच्छा लगा। आप ये हमें लिख के भेज दीजिए प्लीज। मैं विश्वास छाप सकता था लेकिन भाई अपने ही अपनी मैगजीन में अपने को ही छापूं तो ये जरा अच्छा नहीं लगता, इसलिए मैं कभी अपनी रचनाएं विश्वास में नहीं छापता। अभी आज और जगह हिंदुस्तान में, अभी आज के हिंदुस्तान में जरूरी है कि ये वाली छपे, तो आप तो जरूर लिखिए, ये आपकी है तो क्या हुआ, ये बहुत अच्छी है। नहीं भाई अभी 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 मैसेज तो नहीं, अभी हिंदुस्तान सुशांत सिंह में फंसा हुआ है। लेकिन जोशी जी ये बड़ी अच्छी बात है, आपके आपसे सुनकर अच्छा लगा। हम हिंदुस्तान के कवियों को देखते रहते हैं फेसबुक पे, सही बोलने की मादा तो किसी कवि में नहीं है। जैसे जैसे जितना बड़ा कवि है जुबान उतनी ही छोटी है, पहले उल्टा होता था। तो आपने बड़ी बड़ी नामचीनी हस्तियों के बारे में जो बोला बहुत सही है, और ऐसे ही बोलना चाहिए। ऐसा है कि वो उनकी रोटी रोजी है, ये बात सही, उनकी रोटी रोजी है। और ये है कि भाई जो जो केवल दिखता है वो कम लिखता है, दिखता है कम लिखता है, दोनों काम एक साथ नहीं हो सकते। पढ़ेगा नहीं वो लिखेगा नहीं, उसके पास जो दो रचनाएं हैं उनको लेकर के उसको जिंदगी भर अपने बच्चों का पालन पोषण करना है। बात, यही बात, यही बात। इसलिए वो ही आप देखिए, आप जिन कवियों को बुलाते हैं अमेरिका में बुलाते हैं, अंतरराष्ट्रीय हिंदी समिति की तरफ से भी हर साल एक मुशायरा वो एक कवि सम्मेलन हुआ करता था, अभी भी होता है। इस साल नहीं हुआ, इस साल नहीं हुआ तो वो क्या है कि वो सब लोग वो हैं जिनको आप वीडियो में भी देख सुन सकते हैं जी। उनको वहां बुलाने की जरूरत नहीं है, इतना पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है। बहुत सही। अगर इतना पैसा आप अपने नियर बाई एरिया में जहां लाइब्रेरी है, और अमेरिका में लाइब्रेरी की बहुत अच्छी सुविधा है, यदि आप चाहें तो अपने पास की लाइब्रेरी में अच्छी किताबें मंगवा सकते हैं।
आदमी के विचार पढ़ने से बनते हैं, इसलिए मेरा सबसे आपसे निवेदन है कि अगर घर में नहीं मंगवा सकते तो आप अपने आसपास की लाइब्रेरी में मंगवाइए और उन किताबों को पढ़िए। किताबों को पढ़ने से ही हम बेहतर इंसान बनेंगे, बाकी कोई फर्क नहीं पड़ता। अपने बच्चों के लिए चूहा बिल बनाता है आदमी, वो अंबानी की तरह से 1,000 करोड़ की बिल्डिंग बना लेता है। काम वही होना है, काम वही होना है। अच्छा, वही सब कुछ होना है। बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल ठीक है। रमेश जी, मैं आपका ज्ञान वर्धन करना चाहती हूँ कि जहाँ पे मैं रहती हूँ, ये ओहायो का सबसे बेस्ट स्कूल सिस्टम कहलाता है सोलन। तो जब मैं पहली बार सोलन में, भाई सोलन में रहा हूँ मैं, मेरा बेटा सोलन में ही था पहले। हाँ, और तो जब मैं यूएस आया तो सबसे पहले सोलन ही आया था मैं। आपको एक जानकारी देना चाहती हूँ कि जब मैं पहली बार इस स्कूल में गई तो मुझे टूर पे ले जाया गया, और जब मैं वहाँ की लाइब्रेरी में गई, क्योंकि मैं खुद भी एक शिक्षिका हूँ तो मुझे मालूम है आजकल लाइब्रेरी का नाम बदल चुका है, उसे मीडिया सेंटर कहते हैं। और मैंने क्या देखा उस टूर में कि उस स्कूल में एक, उसकी लाइब्रेरी में एक भी किताब नहीं है। आप जाके देख सकते हैं, एक भी किताब नहीं है। तो हमने प्रिंसिपल से पूछा कि भाई ये कैसी लाइब्रेरी है जिसमें कोई किताब ही नहीं है। तो उसने कहा कि ये बड़ा दुर्भाग्य है हमारा कि सब कुछ डिजिटल हो गया है, तो हमारे बच्चों को एक कंप्यूटर दे दिया जाता है, सब कुछ उसी पे किया जाता है। और फिर उन्होंने कहा प्रिंसिपल ने कि भाई मैं भी टीचर रही हूँ भारद्वाज, अगर तुम ऐसे 10-15 बच्चे ले आओ जो कि लाइब्रेरी से किताबें लें तो मैं ले आऊंगी, क्योंकि मैं 20,000 साल का खर्च करती थी और एक बच्चा कोई किताब नहीं लेता था। तो हमने कहा सड़क पार ही पब्लिक जो लाइब्रेरी है, आप वहां चले जाइए। तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि साहित्य का जो है और पढ़ने लिखने का ये हाल है हमारे यहाँ पे बच्चों के लिए। हम लोग तो फिर भी ढूंढ लेते हैं पढ़ने के लिए। और एक और चीज मैं कहना चाह रही थी कि जो इंसान की जो बात हुई, हमने कहीं पढ़ा था कि जैसे ही हमारा बच्चा 3-4 साल का होता है इंसान का, तो हम बोलते हैं बेटा बड़े होके क्या बनोगे, डॉक्टर बनोगे कि इंजीनियर बनोगे या क्या बनोगे। अगर हम जाएं प्रकृति में तो हाथी ने कभी अपने बच्चे से नहीं पूछा बड़ा होके क्या बनेगा, उसे पता है हाथी बनेगा, बंदर का बच्चा बंदर। तो इस रट में क्या हुआ कि इंसान बनने पैदा हो गए, क्योंकि हमने कभी अपने बच्चे से पूछा ही नहीं या बताया ही नहीं कि बेटा बड़ा होके इंसान भी बनना है। तो वो खत्म इंसानियत। इसीलिए आपको ये लिखना पड़ रहा है और हमको ये सब देखना पड़ रहा है, क्योंकि हम इसके लिए हम दोषी हैं। हमारे माँ बाप ने भी यही पूछा बड़े होके क्या बनना, भाई डॉक्टर तो बनना ही पड़ेगा, ये तो बनना ही पड़ेगा, राइट। लेकिन इंसान बनने का हमें किसी ने नहीं बताया। ये कॉम्प्लेक्स जो है वो सब जगह है, सब जगह है, और शिक्षा आपको इस कॉम्प्लेक्स से निकालती है। जानवरों में उस तरह की शिक्षा नहीं है, उनमें जो प्रेम है वो नेचुरल है, जो घृणा है वो नेचुरल है, डर है वो नेचुरल है। लेकिन मनुष्य ने अपना जीवन इतना आर्टिफिशियल बना लिया है कि वो जिन चीजों से डरना चाहिए उनसे भी उसे डरने लगता, और जिन चीजों से नहीं डरना चाहिए उनसे वो डरने भी लग जाता है। वो हम वास्तव में जीते नहीं है, हम जीने की तैयारी करते हैं, जीते नहीं है हम। जिस रूप में है शायद उस रूप में यदि हम स्वीकार कर लें अपने आप को तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जानवरों में कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है। चूहा, वो जानता है मैं चूहा हूं, बिल्ली को देख करके वो छुप जाएगा, बिल्ली को अपना सीना नहीं दिखाएगा कि मेरा सीना इतने इंच का है, वो कोई बहादुरी नहीं दिखाएगा, उसे पता है बिल्ली मुझे खा जाएगी, वो छुप जाएगा। वो चूहे के रूप में जीता है और अच्छी तरह से जीता है। और हमारे साथ क्या है कि हमारा इतना पुराना देश है और फिलोसॉफी का, धर्म का, नैतिकता का इतना बोझ हमारे ऊपर है, इसको बर्डन ऑफ हिस्ट्री कहते हैं। जो मनोवैज्ञानिक हैं, जो विचारक हैं, वो कहते हैं कि भाई भारत के ऊपर इतिहास का बोझ है, इतना सारा बोझ है हिंदुस्तान के आदमी पर, विशेष रूप से हिंदुओं के,
क्योंकि हमारा तो लाखों करोड़ों वर्षों तक तो एक ऋषि तपस्या ही कर लेता है, टाइम का सेंस हमारे यहाँ है ही नहीं। इसलिए एक आदमी त्रेता में भी वही है और द्वापर में भी वही मिल जाएगा, सतयुग में भी वही मिल जाएगा, और 1000 साल तपस्या भी कर ली और 10000 साल तक एक टांग पर भी खड़ा रहा, तो टाइम का सेंस हमारे यहाँ नहीं है। और उस सारी हिस्ट्री को, उस सारी माइथोलॉजी को हमने हिस्ट्री बना करके अपने सिर पर रख लिया है, तो वो बोझ हमें जीने नहीं दे रहा है। सबका अपना अपना बोझ है, मुसलमान कुरान के बोझ से दबे हुए हैं, तो इसी तरह से सबको जो इतिहास का उपयोग करते हैं अपने शासन को कायम रखने के लिए, वो ऐसा बोझ लादते हैं, तो उस बोझ को थोड़ा हल्का करना पड़ेगा। और वो तभी हल्का होगा जब हम ये मान लें कि इस धरती पर एक वायरस का भी उतना ही अधिकार है जितना एक हाथी का है। वो इस संसार में आया है, उसे अपना स्पेस चाहिए। जब हम अनावश्यक स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं तो दूसरों के लिए स्पेस कम हो जाता है, और हम वास्तव में डरे हुए हैं, इसलिए हम सबका स्पेस ऑक्यूपाई कर लेना चाहते हैं। लॉकडाउन का मैसेज मिला तो 10 साल का सामान घर में भर लो, और उसके बाद भी डरते रहेंगे कि यार सामान खत्म हो जाएगा, लॉकडाउन नहीं खुलेगा तो क्या होगा। हम 7 जन्म का पैसा बच्चे के लिए इकट्ठा करके जाना चाहते हैं, ना हम जीते हैं ना उसको जीने का अवसर देते हैं। मैं तो अध्यापक रहा हूं तो मैं जानता हूं कि नोइंगली पेरेंट्स अपने बच्चे को लिटरेचर से दूर रखते हैं, साहित्य से दूर रखते हैं, फिलोसॉफी से दूर रखते हैं, इतिहास से दूर रखते हैं, कि इसमें कमाई क्या है भाई, कोई ऐसा काम सीख जिसमें कमाई ज्यादा हो। तो उससे क्या होता है कि बच्चा बहुत असंतुलित हो जाता है। आप बच्चे को जिंदगी से जोड़िए, देखिए आपने खेतों से बच्चे को काट दिया, लेकिन आपको लगता है कि बच्चे का जमीन से रिश्ता जुड़ना चाहिए, तो आपके वहां ऐसा होता है कि भैया ये 5 मीटर बाई 5 मीटर की क्यारी है और तुम $10 में ले ले और अपने बच्चे को ला और हफ्ते में एक दिन यहाँ कुछ उगा और पानी दे, बच्चा देखे कि टमाटर कैसे उगता है। ये एक्सपीरियंस आप देते हैं ना बच्चों को, इस तरह की फार्मिंग होती है ना। वो स्कूल महंगे माने जाते हैं जहां नेचुरल वातावरण में शिक्षा दी जाती है। पहले वही स्कूल जो है वो कंप्यूटराइज्ड हुए, अब उनको लगा कि ये ऐसा है तो पैसे वाले बच्चों के लिए सबसे महंगे स्कूल वो है जहां झील है, जहां तालाब है, जहां पशु पक्षी मिल जाएंगे, जहां पेड़ है वहां एजुकेशन हो रही है, वो सबसे महंगे स्कूल है। तो आप डिजिटल लाइब्रेरी में जाइए, लेकिन वो समय आएगा जब आपको किताबें दिखाएंगे और आपसे ज्यादा पैसे लेंगे कि देखो ये किताब ये ऐसे छपती है, उसको छू के देखो। तो ये आएगा जब इसकी अति हो जाएगी, जब फैशन जो होता है ना, शुरू में आता है तो पैसे वालों के पास में आता है, फिर वो पुराना हो जाता है तो वो गरीबों के पास पहुंच जाता है और पैसे वाले पुरानी चीज को फिर ले आते हैं। तो ये है, अब फिर वो आएगा लौट के, और वो फीलिंग तो देखिए कि भाई आप किताब को हाथ में लेंगे, उसे छुएंगे, उसकी स्मेल को अनुभव करेंगे, और फिर वो आपको जब ध्यान आएगा तो वो पेज आपके सामने आ जाएगा, उस पेज पर अच्छा वो था और बाईं तरफ मैंने निशान लगाया था, अंडरलाइन किया था, वो आपको याद आएगा। गिरीश जी, हमें लगता है कि अब थोड़ा आगे चलें, क्योंकि हाँ बिल्कुल, इन चीजों का कोई अंत नहीं है। हाँ, यहाँ 12:45 बज रहे हैं रात के, और वो बेटी आज ही गई है US, वो अब वो मतलब प्लेन में बैठेगी 2 बजे, आप बता रहे। हाँ, तो इसलिए मैं जाग रहा था, अब सारे दिन यही कार्यक्रम चल रहा था, तो मैं जब तक जागता रहूंगा तब तक मैं आप सब लोगों को देखता सुनता रहूंगा, और मैं क्योंकि काफी थक गया हूँ और बहुत लेट हो गया हूँ, तो सवेरे उठना भी है मुझे, तो मैं अभी आपसे सबसे विदा लेता हूँ, लेकिन जब तक मैं जागता रहूंगा सुनता रहूंगा। ठीक है, बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत धन्यवाद जोशी जी आपके आने का। जोशी जी, आपको बताना, आपकी एक तारा अभी तक है मेरे पास। अरे वाह भाई, ये कहाँ से मिली आपको? आपने दी थी अपने हाथों से। चलिए अच्छी बात है, आपने संभाल के रखी, वरना घर की सफाई में सबसे पहले किताबें ही फेंकी जाती है। ये नहीं जा सकती, आपकी किताबें तो बहुत मेरे लिए कीमती हैं। नहीं, अच्छी बात है, मैं पढ़ती रहती हूँ, बहुत अच्छा लगता है। धूप लग रही है क्या? नहीं, बहुत, देखिए ऐसा है कि
खूब पढ़िए, खूब पढ़िए, खूब पढ़िए। एक दिन में भिखारी नहीं बनता कोई, हजार घरों जाएगा डांट खाएगा तब भिखारी बनता है। तो जब आपको पढ़ते पढ़ते ही सब कुछ अपने आप हो जाएगा, पढ़िए, मुझे ही नहीं सबको पढ़िए, अच्छे लेखकों को पढ़िए, बहुत जरूरी है ये। जी हाँ, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार। नमस्कार, चलिए अभी अभी हमने एक पेपर पब्लिश किया, मैं आपको उसकी कॉपी भेज दूंगा, पड़ेगा। गिरीश जी आपने लिखा? आप तो साइंस का पेपर लिखते रहते हैं, वही पढ़ेंगे। डेफिनेटली। नहीं, देखिए सुनिए, आपके पास दोनों भाषाएं हैं और मेरा निवेदन है जो विज्ञान के व्यक्ति है उन्हें विज्ञान को अपनी मातृभाषा में लाना चाहिए। इस बारे में सोचिए। नहीं, बहुत अच्छा। जीविका के लिए आप विज्ञान से जुड़े हैं वो अलग बात है, लेकिन इसका लॉन्ग टर्म में फायदा ये होगा कि कभी हिंदी में भी विज्ञान की शिक्षा उपलब्ध हो तो वो पुस्तक काम आएगी। आप इसको ध्यान में रखिएगा कि विज्ञान को अपनी भाषा से जोड़िए, अपनी मातृभाषा से जोड़िए। अभी यहाँ एक मैगजीन निकलती है, मेरे मित्र ही है, वो इलेक्ट्रॉनिकी की मैगजीन निकालते हैं, बेसिकली वो इलेक्ट्रॉनिकी की है लेकिन फिर साइंस की और चीजें भी उसमें आती हैं, तो मैं कभी आपको फॉरवर्ड करूंगा, उसे पढ़िएगा। लोग कोशिश कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, तो आप भी उस कोशिश में शामिल होइए और पढ़िए उसे, अगर आप उससे जुड़ना चाहें, कंट्रीब्यूट करना चाहें तो अवश्य कीजिए आर्टिकल उसमें, मैं आपको भेजूंगा मैगजीन को। अवश्य, चलिए शुक्रिया, आगे बढ़ाइए, मैं वीडियो बंद कर देता हूँ। हाँ चलिए, अब आवाज सुनती रहेगी मुझे। रामधारी सिंह दिनकर के कुछ पंक्तियां आती हैं कि भेजा किसने क्यों कहा, भेद अब तक ना शुद्र ये जान सका, युग युग का मैं पाथिक श्रांत, अपने को अब तक पा न सका। चलिए अब मैं इनवाइट करना चाहता हूँ वंदना जी को। वंदना जी आज कुछ नया प्रयोग करना चाहती हैं, वो एक उन्होंने कुछ कहानी लिखी है, उस कहानी का जो शीर्षक है कि क्या हमने भगवान के भोग का ठेका ले रखा है। वंदना जी आपका हार्दिक अभिनंदन है, कृपया करके हम सबको अपनी कहानी का पाठ कीजिए। धन्यवाद। मैंने लिखी नहीं है कहानी, पर मुझे ये बहुत अच्छी लगती है और मैंने बहुत समय से सोची थी कि अगर समय मिले तो, क्योंकि थोड़ी सी लंबी है तो मुझे लगा कि मैं ये आप सबसे साझा करना चाहती हूँ। अगर कोई और मुझसे पहले जाना चाहता है तो जा सकता है, क्योंकि ये 10-12 मिनट की कहानी है, अगर ठीक है तो मैं कर सकती हूँ। दावत-ए-इस्लाम आपके पास आ चुके हैं, आप आगे बढ़िए। चलिए, तो सबको मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? Yes. ये एक बहुत ही प्राचीन कहानी है। एक आदमी बहुत आलसी था, सारा परिवार उससे परेशान था, कुछ न करे केवल पड़ा रहे, लुढ़क जाए। घर वालों ने कहा भाई अब निकल जाए यहां से, 2-2.5 साल खाते हो और एक बार में और करते कुछ नहीं, बेचारा अब जाए तो जाए कहां। एक महात्मा जी दिखाई दिए उसे मंदिर में, महात्मा जी बड़े तंदुरुस्त, महात्मा जी तो होते ही ऐसे हैं, हमेशा प्रसन्न खाते रहते हैं। तो उसने सोचा कि ये खाते खूब होंगे, इतने प्रसन्न और इतने स्वस्थ हैं, तो उनके पास गया, बोला कि महात्मा जी आप हमको भी अपना चेला बना लो। तो उन्होंने कहा ठीक है हम बना लेते हैं। तो उसने कहा काम क्या करना होगा? महाराज जी ने कहा काम तो कुछ नहीं, बस भगवान की पूजा करनी होगी, आरती करनी होगी। और फिर वो बोला खाने का क्या? तो बोले पंगत होती है रोज सुबह शाम, पंगत होती है और पंगत में बैठो और खाओ। तो उसने कहा ये ठीक है, कुछ करना है नहीं और खाने को मिलेगा तो मैं मंदिर में ही रह जाता हूँ। पर उसे पता नहीं था कि यहाँ पे भी मुसीबत आएगी। भंडार में एक बार सुबह उठा, सब चूल्हे खाली, भंडार में कुछ नहीं। बोला महाराज आज कुछ बन नहीं रहा है। बोले तुम्हें पता है ना आज एकादशी है, एकादशी का मतलब कि न तो कुछ बनेगा और न ही कोई खाएगा। तो बोला महाराज हमसे नहीं बनते होगा, हमसे ना व्रत करवाओ, हमारे लिए बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर हमसे एकादशी कराई महाराज, हम तो फिर द्वादशी देख ही ना पाएंगे, आज ही शाम में समाप्त हो लेंगे हम तो। महाराज बहुत कठिनाई है महाराज। मानो बोले कि भाई आश्रम में तो बनेगा नहीं, तुम बना लोगे, मरता क्या ना करता।
बोला ठीक है अब जब यही है तो यही सही। तो महाराज बोले कि महात्मा बोले जाओ भंडार में जाओ सब सामान लो। तो उसने 250 आटा नमक आलू सब ले लिया। महात्मा बोले भाई तुम तो वैष्णव हो गए हो वैसे तो भोजन बनाना नहीं चाहिए पर चलो प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना और भगवान को भोग जरूर लगाना। बोले ठीक है महाराज। जल्दी जल्दी उसने सामान समेटा तो महाराज ने कहा कि देखो वहां जाना नदी के किनारे। अब जैसा उससे बन पड़ा उसने बनाया आलू का चोखा गुड़ घी सब। अब भूख भी लगाई थी बनाते बनाते रोज तो बना बनाया मिलता था आज उसको बनाना पड़ा। अब उससे याद आया कि अरे हाँ खाना तो मैंने बना लिया लेकिन महात्मा जी ने मुझे ये बोला था कि भोग जरूर लगाना है भगवान को। तो इतना सरल कहानी सब सरलता पे है जो कि हम मशीनी युग में भूल चुके हैं। इतना सरल कि बोला भगवान को भोग लगाने बोला बोलने लगा राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। अब भगवान आए नहीं तो बोला आज मनी शरदान आरती यहाँ यही मेहमानी रूखी सूखी खाओ पियो नदी का पानी राजा राम आइए प्रभु राम आइए। अब क्या हुआ भगवान तो आए नहीं। तो उसने कहा कि भगवान देखो आप जो है हमको तो लगी है भूख आप इस भ्रम में मत रहो कि मंदिर जाओगे तो वहां आपको पूरी कचौड़ी खाने को मिलेगी वहां आज कुछ नहीं बना है बनाया जो है हमने ही बनाया है। तो भगवान जो है नहीं आए। फिर उसने जो है कि भाई एक सरलता से इस तरह की बात कही कि भगवान जो है उस पर रीझ गए कि आप क्यों आने लगे हमारी रूखी सूखी रोटी नदी का पानी आपका तो रोज का है पूरी कचौड़ी खाने का पकवान मिलते हैं। तब भगवान को उसकी बहुत सरलता पे दया आई और उसने कहा कि भाई प्रकट हो गए भगवान। अब भगवान भी कम कौतुकी नहीं जितना वो सरल भगवान उतनी ही लीला करने वाले। अब भगवान सीता मैया को और भगवान को देखकर प्रसन्न तो वो बहुत हुआ पर कभी भगवान और कभी रोटी को देखे। भगवान बोले कि देखो आ गए ना आपने कहा था आ जाओ तो हम आ गए। तो बोला वो बिल्कुल उदास। तो भगवान ने कहा भाई क्या बात है तुम उदास क्यों हो गए। बोला बात तो कुछ नहीं आप आ गए प्रसन्नता हमको बहुत हो गई पर सोच रहे थे एक ही का इंतजाम किया था और आप दो लोग आ गए इसी सोच में हम पड़ गए हैं। इतनी सरल इतनी सरलता कि आपको ये कहानी पे विश्वास करना मुश्किल है। तो भगवान विराजे बोला चलो जितना जो भी मैंने रूखा सूखा बनाया है अब आप देखो खाओ। अच्छा एक काम करो भगवान ने खा लिया वो बेचारा तो भूखा ही रह गया। जब भगवान जाने लगे तो बोला देखो ऐसा है कि अगली एकादशी को आप आ जरूर जाना लेकिन हमको बता देना कि भाई आप जब आ रहे हो एक तो समय से आ जाना बहुत देर मत करवाना और बता देना कि कौन आ रहा है जिससे मुझे दोबारा भूखा ना रहना पड़े। अगली एकादशी आई तो गुरु जी को बोला कि भाई गुरु उसने कहा गुरु जी उतने से काम नहीं चलेगा मुझे थोड़ा और सामान चाहिए। तो गुरु जी ने कहा सोचा भूखा रहा होगा बना नहीं पाया होगा ढंग से तो और तू भाई और ले ले और सामान ले ले। उसने और सामान लिया और उसके बाद अपने जैसे पहले वाला वही जो उसने किया था रूटीन गया खाना बनाया और फिर भगवान को बोला राजा राम आइए प्रभु राम आइए। फिर बोला सीता राम आइए मेरे भोजन को भोग लगाइए। और तुरंत इस बार भगवान प्रकट हो गए पर इस बार वो लक्ष्मण को भी लेके आ गए। तो बोला कि अरे ये अच्छी बात है। भगवान ने कहा कि बोला ये कौन ले आए। बोला ये मेरा छोटा भाई है लक्ष्मण। छोटा भाई लगता तो नहीं है देखने में कि आपका छोटा भाई है। बोले नहीं नहीं हमारा छोटा भाई ही है। तो हाथ जोड़कर बोला ठीक है अब छोटे भाई हैं तो अच्छा है पर एक बात बताओ हमने ठाकुर जी के भोग का ठेका लिया है कि हमने उसके खानदान भर के भोग का ठेका ले रखा है। गुरु जी ने कहा था भगवान आएंगे एक हमने एक का खाना बनाया फिर आप दो आ गए हमने दो का खाना बनाया और अब तो आपने हद ही कर दी अब आप
जो है लक्ष्मण जी को भी लेके चले आए, तो हम तो हर एकादशी को हमको तो भूखे ही रहना पड़ेगा। भगवान खूब हंसे, बहुत हंसे, और लक्ष्मण भी खूब हंसे, और जब चलने लगे तो बोले भाई एकादशी में अब की बार अब बिल्कुल सही सही हमको बता के जाइए कि कितने लोग आओगे, तो उतना ही हम लाएंगे, उतना ही बनाएंगे, हमारी दो एकादशी हो गई है, अब इससे ज्यादा हम कर नहीं सकते। तो अगली एकादशी को उसने गुरुजी को कहा हमको 7 शेर सामान चाहिए, तो गुरुजी ने कहा जरूर ये बेचता है, ये जो है इसको लालच आ गया है, अब ये जाके सामान बेचता है। तो उसने एक चेले को भेजा कि तुम जाओ पीछे पीछे और देखो ये करता क्या है। तो वो गया वहां पे और उसने सोचा भाई आज तो मैं खूब सारा खाना बनाऊंगा। उसने खूब सारा खाना बनाया और सब तैयारी हो गई, तो उसने पुकारा भगवान को, फिर से राजा राम आइए। भगवान आए, सीता राम लक्ष्मण शत्रुघ्न हनुमान। तो उसने देखा कि जय हो, पर एक बात बताओ, बुलाया एक तो दो आए, दो बुलाए तो तीन आए, तीन का इंतजाम किया तो अब तो पूरा का पूरा सकल परिवार ही लेके आ गए। लेकिन हमारी बात भी सुन लो भैया, हमने भोजन तो आज बनाया ही नहीं, हम नहीं बनाने वाले तुम्हारे इतने लोगों का भोजन, अपने आप बनाओ, खाओ और हमें भी खिलाओ। तो उसने बनाया, वहां पे भोजन बनाया गया और हनुमान जी ये सारे लोग मिलके भोजन बनाने लगे। तो भगवान, उसने जब बन गया खाना तो बोला भोग लगाओ। भगवान खूब हंसे, तो बोला हंसने से काम नहीं चलेगा, बस बनाओ और हमें भी खिलाओ। तो उसने जब बना दिया तो गुरुजी पीछे खड़े खड़े देख रहे थे, तो उस वो गुरुजी देख रहे हैं कि वो बोल रहा है भगवान भोग लगाई, ये बातें कर रहा है ये सब। तो गुरुजी ने कहा कि ये तुम पगला गए हो, तुम सटिया गए हो, ये क्या हो रहा है, किससे बातें कर रहे हो। तो उसने कहा आपको दिखाई नहीं दे रहा, सामने तो भगवान खड़े हैं। तो गुरुजी ने कहा नहीं, हमें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। तो उसने उनसे भगवान से कहा कि भाई मेरा तो जो है मजाक उड़ रहा है, यहाँ पे हंसी उड़ाई जा रही है, आप मुझसे बात कर रहे हो और मेरे गुरुजी कह रहे हैं उनको आप दिख नहीं रहे हो, ये क्या बात हुई। तो गुरुजी बोला कि भाई आप हर बार एकादशी का मेरा व्रत करा रहे हो और मुझे इतना परेशान कर रहे हो। तो भगवान ने कहा नहीं, हम इनको नहीं दिख सकते। तो गुरुजी ने कहा क्यों नहीं दिख सकते, ये तो हमारे गुरु हैं, बहुत बड़े महात्मा हैं। तो बोला कि नहीं, ऐसा संदेह इसमें कोई नहीं कि तुम्हारे गुरु बहुत विद्वान हैं, बहुत महान हैं, योग्य हैं, लेकिन मैं उनको नहीं दिखूंगा, केवल तुमको ही दिखूंगा। क्यों, आखिर बात क्या है कि तुम उनको नहीं दिखोगे। तो बोला कि मैं सरल इंसान को सरलता से मिलता हूँ, आपके गुरुजी सरल नहीं है। तो गुरुजी को इस बात पे रोना आ गया और गुरुजी बहुत जोर से रहने लगे, बोले सचमुच इस जीवन में मैंने सब कुछ पाया पर मैं सरलता नहीं ले पाया। इसीलिए कहते हैं नवम सरल सब सल छल ही ना, मम बरोस ही हर्ष ही दीना। धन्यवाद, गुड वंदना, वेरी नाइस। तो कहानी का जो कंक्लूजन ये है कि सरलता में जीवन है, सरल विचार सरल जीवन। अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ये कहाँ पे लेके आई थी आप ये कहानी? ये मेरी मम्मी सुनती रहती हैं, पुरानी कथाएं पढ़ती रहती हैं, तो उन्होंने भेजी थी मुझे कई 5-6 महीने पहले, तो मुझे बड़ी अच्छी लगी ये, मैंने लिख ली। फिर इसको मैंने रेडियो में भेजा, उनको चाहिए था कुछ इस तरह की कहानियां, यू नो वो जो है रेडियो जिंदगी है ना वाशिंगटन में, तो लोग चाहते हैं इस तरह की कहानियां सुनना, यंगस्टर्स भी सुनना चाहते हैं। नहीं, बहुत अच्छी कहानी है, अनहर्ड अनसंग, बड़ी सरल कहानी, मतलब ही सरल जीवन है। कहानी बहुत अच्छी है, अब ये जानना चाहूंगा किसने लिखी है, क्योंकि लगता है ये संत ज्ञानेश्वर के कथा से जुड़ी हुई है। संत ज्ञानेश्वर जब बच्चे थे तो वो अनाथ थे, तो वो एक मंदिर में एक पुजारी के यहाँ काम करते थे, और एक वक्त आया कि पुजारी के घर में कोई दिक्कत हुई तो पुजारी को जाना था अपने गांव। तो उसने कहा भाई देखो ऐसा है, तुमने देखा ही है मुझे कैसे मैं पूजा करता हूँ, तुम कर देना पांडुरंग की पूजा और भोग लगा देना रोज, और ये स्टोर की ताला चाबी दे गए। अब संत ज्ञानेश्वर बच्चे थे, 8-9 साल के बच्चे थे, तो उन्होंने दूसरे दिन भोग लगाया और इंतजार करते रहे, लेकिन कोई आया ही नहीं खाने के लिए, भगवान नहीं आए।
तो वो रोने लगे और बैठे कि आप मेरे पुजारी जी आएंगे तो बोलेंगे कि यार तुमने भोग नहीं लगाया और दो दिन हो गया कुछ नहीं हुआ। वो उसने भी नहीं खाया, वो बैठा रहा वैसे कि वैसे इंतजार में। तो फाइनली भगवान प्रकट हुए, उन्होंने खाया। अब वो रोज बनाए और वो खाए। कुछ समय बाद पुजारी आया और जब वापस तो कहा कि क्या तुमने ठीक से पूजा वूजा लगाई, भोग वोग ठीक से लगाया? बोला हाँ बिल्कुल बहुत बढ़िया भोग लगाया, भगवान को बहुत पसंद आया और मैं तो इस बीच में बहुत अच्छा खाना बनाने वाला भी बन गया। उन्होंने मुझे नए नए तरीके भी बताए क्या क्या कैसे बनाना है, तो मैंने वो भी बनाया। और तो पुजारी ने कहा ठीक है। पुजारी ने मन ही मन में सोचा क्या बेवकूफ बच्चा बोल रहा है। उसके बाद वो इधर अपने काम में लग गए। फिर बाद में जब स्टोर का दरवाजा खोला तो देखा तो सामग्री समाप्त, बहुत कम सामग्री बची। वो आए उसको मारने लगे, कह रहे कि तूने सारा सामान बेच दिया लगता है एक बनिए को, और तू मुझे बेवकूफ बना रहा है कि भगवान आए और खा गए। तो उसको मारपीट कर उस मंदिर से निकाल दिया। तो वो उनकी उनकी कथा में है। फिर वो कैसे भटकते रहे और भगवान से कहा कि भाई मेरी क्या गलती थी कि मुझे। तो इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग, लगता है कि उससे इंस्पिरेशन रहा हो इस कहानी की। चलो ये तो एक बोनस में भी कथा सुनने को मिल गई। इसको बनाया गया, ये काफी इंटरेस्टिंग है कहानी, जिसने भी लिखी है बहुत अच्छी है। ये एक्चुअली ये एक महाराज है, राजेश्वरानंद महाराज, उनकी आवाज में भी ये उन्होंने गाई है इस कहानी को। बहुत सुंदर गाया है और बहुत अच्छे। उनकी और भी बहुत सारी कहानियां है, ऐसे सुनते जाओ तो लगता है सुनते जाओ। कभी कभी हम बच्चों को सुनाते हैं तो इट्स वेरी नाइस। वाह क्या बात है, बड़ी सरल भाषा में है। चलिए मैं बिल्कुल आगे बढ़ाते हुए यहाँ भी ले आना कभी सुनाने के लिए। हाँ हम भी बच्चों से कहाँ कम है। हाँ हाँ नहीं मुझे अच्छा लगेगा क्योंकि ये सब सुनना नहीं मिलता है अब। तो डेफिनेटली अगर हो आपके पास कोई अच्छी ऑडियो रिकॉर्डिंग तो लेके आना। हाँ ये तेज के पास खजाना होता है नई नई चीजों का, सुनते रहते हैं। फिर मैं गलती से पूछ लेती हूँ ना मैं भी सुना दो। चलिए बहुत अच्छा, बहुत अच्छी सुंदर कहानी मिली। इससे पहले एक अच्छी कविता सुनने को मिली। अब मैं चाहता हूँ कि थोड़ा विविधता का समय पेश किया जाए, तो अब कोई गीत सुनने को मिलेगा। तो मेरी अनुरोध है कि अंजू जी आप गीत गाना चाहती थी, कृपया करके अपने गीत से हमको नवाजें। गिरीश जी मैं बाद में गाऊं? अच्छा ठीक है, हम तो अपने कान तैयार कर चुके हैं अभी सुनने के। अंजू गा दो भैया हमको, फिर बड़ा इंटरेस्ट है गाना सुनने का। मैंने कभी गाया नहीं है इसलिए। नहीं नहीं आज तो गाना है आपको, हमने कभी सुना नहीं है इसलिए। जी तुम्हारी आवाज बहुत गाया भी नहीं है, शादी से पहले गाया है। हमने सुना है अंजू जी का वो गजल जो गा रहे थे, हुई शाम उनका ख्याल आ गया। ओ वेरी नाइस, तरह की गजलें गाई है इन्होंने। वेरी नाइस, लेट्स लिसन। चलिए सुना देते हैं, दो चार लाइन ही सुनानी है मुझे। चले तो, मैंने कभी गाया नहीं है, शादी से पहले ही गाया है, अभी कोशिश कर रही हूँ बस। अब आप गाओ तो यही समझना कि शादी के पहले ही गा रहे हो। अच्छा सुझाव है। किसी के लिए ये मुनासिब नहीं, आदमी के लिए प्यार से भी जरूरी कई काम है। प्यार सब कुछ नहीं, जिंदगी के लिए छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए। तन से तन का मिलन हो ना पाया तो क्या, मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। मन से मन का मिलन कोई कम तो नहीं। खुशबू आती रहे दूर ही से सही, सामने हो चमन कोई कम तो नहीं। चांद मिलता नहीं सबको संसार में, है दिया ही बहुत रोशनी के लिए। छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए, ये मुनासिब नहीं आदमी के लिए।
प्यार से भी जरूरी कई काम है, प्यार सब कुछ नहीं जिंदगी के लिए, छोड़ दें सारी दुनिया किसी के लिए। थैंक यू। इसके आगे का गाओ अंजू। अंजू अमेजिंग, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे चॉइस ऑफ सॉन्ग, बट इतने इत्मीनान से आपने गाया और इतना प्यारा गाया, बहुत सुंदर गाना है। और इसके आगे का गाया नहीं आपने, चॉइस बहुत अच्छी थी आपकी, मजा आ गया। अंजू जी बड़े अच्छे से महसूस करके आपने शादी से पहले तो गाया ही होगा, आज भी मैं ये मानता हूँ कि आप इतनी अच्छे से महसूस करते हैं इस गाने को। हर किसी के लिए कोई एक दो गाने ऐसे होते हैं, इम्पोर्टेंट होते हैं, जो उनके साथ जिंदगी का हिस्सा बन के चलते हैं। लगते ये भी आपकी जिंदगी का हिस्सा किसी न किसी जरूर है। बड़ा अच्छा लगा सरप्राइज, मुझे नहीं गाते तो बड़ा मजा आता। अंजू बहुत ही अच्छा लगा, मैंने तो पहली बार सुना तो बहुत अच्छा लगा। प्रसाद थोड़ा थोड़ा मिलता है, बहुत साल हो गए मैंने गाया ही नहीं है, तो मैंने कोशिश करी है। बहुत अच्छा प्रयास। चलिए अब महफिल को क्षमा आगे बढ़ाते हुए मैं अनुरोध करूंगा कि तस्नीम जी कुछ ना कुछ सुनाएं। तस्नीम जी ने ये कहा था कुछ ना कुछ सुनाएंगे, लेकिन क्या सुनाएंगे ये इन्होंने कहा था कि सरप्राइज है। तो सरप्राइज नहीं, मैं सोचा ही नहीं था, कल तक तो सोचा भी नहीं था कि क्या करूंगी। आज दिमाग में दो तीन चीजें आई। मुझे लगा था कि अगर रमेश जी होंगे तो उनकी कौन सुने एक तारा में से कुछ पढ़ूंगी, पर एक है जो अभी दो तीन दिन पहले मैंने कहीं सुनी किसी को गाते हुए, तो मैं कोशिश करूंगी। ये कृष्ण बिहारी चंद्र की पोएट्री है, बहुत ही मीनिंगफुल, बहुत ही प्यारी। उसका मीनिंग मुझे इतना अच्छा लगा, लिरिक्स उसके इतने जबरदस्त हैं। जब मैं गाऊंगी तो शायद इतना अच्छा ना आए, क्योंकि पहली बार सुना था तो आई डोंट नो मुझे वो याद रहेगी उसकी गायकी या नहीं, पर फिर भी कोशिश करूंगी। आई डोंट नो आप लोगों ने सुना है या नहीं कृष्ण बिहारी चंद्र की, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। नूर लखनवी, नूर लखनवी बहुत ही प्यारा है, उन्होंने पढ़ा था ये। तो जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ लो, आईना झूठ बोलता ही नहीं, आईना झूठ बोलता ही नहीं। और ये थोड़ा आज के कंटेम्प्ररी हालात जो है, अमेरिका हो, इंडिया हो, यूरोप हो, कहीं पे भी हो, एक्चुअली पूरी दुनिया में, वो कलयुग सतयुग जो हम बोलते हैं उसके ऊपर है। धन के हाथों बिक गए हैं सभी, धन के हाथों बिक गए हैं सभी, अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं,
अब किसी जुर्म की सजा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। एंड माई फेवरेट 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 बंद जो इस पूरी पोएट्री का है वो ये नेक्स्ट वाला है। ये मैं बहुत बार अपने मामा से भी सुन चुकी हूँ जब भी हम बात करते हैं कि ये बहुत जरूरी है। और आजकल जब हम लोग ट्रंप के जमाने में, आई डोंट नो अगर आप में से कोई ट्रंपियन है तो मैं माफी चाहती हूँ, पर हमें पता है कि ट्रंप के जमाने में ये झूठ और सच का बहुत फर्क पड़ता है, तो उस पे ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं, जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं। That's it. बहुत बढ़िया तस्नीम जी। एक बार आप, मैंने ना शुरुआत में जब बता रहे थे, मैं थोड़ा सा बहुत अच्छे आप पे इसका कॉन्टेक्स्ट जब बता रहे थे वो एक बार फिर से बताएंगे प्लीज। तो कृष्ण बिहारी चंद्र, एटलीस्ट मैंने तो यही सुना है, बिहारी नूर उनकी वो तो मुझे पता है ये है। हाँ, ये उन्होंने पढ़ी थी कहीं पर, ये इसको गाया एक्चुअली राजस्थान के हैं या हरियाणा के मुझे पता नहीं, पर वो जो विलायत सिंह जी जो है ना, जो मौसीकी के, उन्होंने तो बहुत बहुत अच्छी आवाज में इसको पढ़ा है। मैंने उसको सुना था, मेरे पास कहीं पे वीडियो टेप्ड है, तो एक्चुअली ऑडियो है और व्हाट्सएप पे ही आया था, मैं आप लोगों को फॉरवर्ड करूंगी। उनकी आवाज में बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि उन्होंने बड़ा म्यूजिक के साथ, सितार के साथ, और वो थोड़ी आई थिंक तस्नीम आपने फॉरवर्ड किया था, आई थिंक यू फॉरवर्डेड इट, पसंद आया था इतना, तो आई ऑलरेडी फॉरवर्डेड टू यू गाइस। या हम उन लकी लोगों में हैं जिन्होंने बनारस में एक मुशायरे में अनवर मिर्जापुरी, कृष्ण बिहारी और लखनवी और फिराक गोरखपुरी तीनों को सुना था, कृष्ण बिहारी नूर पता नहीं है कि नहीं हम नहीं जानते, लेकिन गजब का शायर थे लखनऊ नहीं है वैसा, पढ़ने की स्टाइल तो ऐसी थी। कृष्ण बिहारी नूर यहाँ ओहायो में भी बहुत आए हैं, उनके घर में है तो उन्होंने बताया उन्हीं के घर पे ठहरते थे वो। वाओ, he has also been here to US। और मैं आपसे कहूंगा कि एक बार आप कृष्ण बिहारी नूर ने जिस मुशायरे में इनको गाया, कई जगह पे गाया बोला है उन्होंने, तो उसकी ऊर्जा सुनने में एक अलग ही है, मतलब obviously ये जो हर भोर सवाल नया देखा, हर सांझ एक वेदना नहीं। फिर से बोलिए गिरीश जी, सॉरी ध्यान नहीं दिया। मैं कहा कि हर भोर सवाल नया देखा, हर सुबह सवाल नया देखा, हर शाम सवाल का जवाब ही नहीं। वेरी नाइस। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर आपने सुनाया, बहुत अच्छा लगा सुन के। थैंक यू। बहुत ही प्यारे वर्ड्स है ना, लिरिक्स थोड़ा निराशावादी झलक है इसमें, लेकिन है बड़ा सुंदर। जब ये गजल लिखी गई थी तब की दुनिया आज से बहुत अलग थी। दुनिया आज से बहुत अलग थी, तो अभी तो बहुत सटीक फिट होता है, लेकिन वो सुंदर महफिल क्या जबरदस्त चल रही है आज, मस्त अपना सब अपना छे रचनाएं लेके आ रहे हैं। अब मैं चाहता हूं कि हमारे दुश्मन जी को दावत कलाम भेजा जाए। दुश्मन जी, आपको कोई नई रचना हमें सुनानी है या कोई नया दार्शनिक व्यक्त देना, तो प्लीज फ्लोर आपका है। चलिए, सबको आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल वगैरह वगैरह, जैसे श्रृंखला है भारत में तो 20-25 तो आई जाएंगे इस तरह कहा जाए तो, लेकिन सबको आदाब। आदाब हमारा बड़ा प्रिय शब्द है और केवल लखनऊ में ही ज्यादा यूज होता है। पाकिस्तानियों से आबाद कहिए, हमारे साथ पाकिस्तानी बहुत से थे वहाँ स्विट्जरलैंड में, तो समझते ही नहीं थे, तो चीनियों का आश्चर्य होता था कि तुम लोगों की लेडीज बड़ी अच्छी दिखती है, एक ही जैसी भाषा बोलती है, तुम लोग दो कंट्री कैसे हो।
तो हमने कहा सुना आप जाके उन लोगों से पूछो कि दो कंट्री क्यों बने हुए हैं, हम लोग एक ही कल्चर के हैं। तो खैर वो अलग बात है, और हम नया सुनाएंगे और उसी मुद्दे पे सुनाएंगे जो मुद्दा जिसके कुप्रभाव हम लोग देख रहे हैं, अब उसको समझ रहे हैं, देख रहे हैं, लेकिन छुटलाना चाहते हैं। जो ट्रंप ब्रांड है वो उस तरह के हम लोग होते जा रहे हैं। ट्रंप बोलता है कि गलत है, हम लोग उसको सही मानते हुए भी उस पर अमल नहीं करते, ये अंतर है दोनों में। तो ये है चीन का मुद्दा। चीन का मुद्दा इस समय दुनिया में छाया हुआ है, केवल अमेरिका में ही नहीं, दुनिया में छाया हुआ है। भारत दोहरी मार झेल रहा है, सीमा पे भी, अब बाजार में भी। और इस दिवाली आने वाली है, चीन के दिए जलेंगे कि नहीं ये भारत निर्णय करेगा, लेकिन चीन के दिए से घर जले हम ये नहीं चाहते, होता यही है। इसी बहर में कई शेर हैं और पर्यावरण उसमें झलकता है। तो मक्ता है, सॉरी हम कंफ्यूज कर जाते हैं, मतला है जलाए चीन के हमने दिए जो, जलाए चीन के हमने दिए जो, उसी से घर हमारे जल रहे हैं। जलाए चीन के हमने दिए जो, उसी से घर हमारे जल रहे हैं। कुम्हार जो दिए बनाते हैं, कुम्हारों की लगी है हाय हमको, हाय लगना मतलब जो चीत्कार दिल की होती है वो किसी को लग जाती है तो उसका बुरा असर होता है उस पर। कुम्हारों की लगी है हाय हमको, जुलाहे जुलाहे भूख से जो मर रहे हैं। कुम्हारों की लगी है हाय हमको, जुलाहे भूख से जो मर रहे हैं। अच्छा अब देखिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी का क्या इफेक्ट आया है इंडियन एग्रीकल्चर पे और पूरी दुनिया में। किया यंत्रीकरण खेती का हमने, तभी खेतों को गोरू चर रहे हैं। गोरु यूपी बिहार में गोवंश को कहा जाता है, छुट्टे जानवर। आजकल वो खेत चर रहे हैं और उसका रियल रीजन है कि हम लोग उनका यूज खेती में होता था नहीं कर रहे हैं, ट्रैक्टर का यूज कर रहे हैं। किया यंत्रीकरण खेती का हमने, तभी खेतों को गोरु चर रहे हैं। सुना है हम बहुत विकसित हुए हैं। पितर अब आश्रमों में पल रहे हैं। सुना है हम बहुत विकसित हुए हैं, पितर अब आश्रमों में पल रहे हैं। और अब देखिए अभी जो स्पेस में प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, वो रियूजेबल रॉकेट लॉन्च हुआ है, आ रहा है, बहुत अच्छा है, लेकिन आप स्पेस में कितना कूड़ा हो रहा है ये साइट पे अवेलेबल है, कभी देखिए तो सोचिए अगले 20 साल बाद क्या होगा। जमी को ढक दिया कूड़े से हमने, खला अंतरिक्ष शून्य, खला जमी को ढक दिया कूड़े से हमने, खला में पांव आगे बढ़ रहे हैं। क्या बात है, जमी को ढक दिया कूड़े से हमने, खला में पांव आगे बढ़ रहे हैं। कोई पादप दिखे तो बोल देना, पेड़ पादप संस्कृत का वर्ड है, कोई पादप दिखे तो बोल देना तुम्हें अब अलविदा हम कर रहे हैं। कोई पादप दिखे तो बोल देना तुम्हें अब अलविदा हम कर रहे हैं। जो ऋषियों ने बताई राह हस्ती, जिंदगी की राह, जो ऋषियों ने बताई राह हस्ती, हम उससे ठीक उल्टा चल रहे हैं। नहीं सुधरेंगे हम दुश्मन कभी भी। भरोसा स्वप्न पर जो कर रहे हैं, हम लोग स्वप्न देखते हैं उस पर भरोसा कर लेते हैं। नहीं सुधरेंगे हम दुश्मन कभी भी, भरोसा स्वप्न पर जो कर रहे हैं। जलाए चीन के हमने दिए जो, उसी से घर हमारे जल। बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, क्या बात है।
जीन के दिए जलाए हमने। वाह बड़ी आप सर जी, बहुत गहरा लिखते हैं आप भी, खास करके आपकी वो पंक्ति जो विकसित होते जा रहे हैं और पिदर आश्रम में पल रहे हैं, बहुत अच्छी ना है। हम बहुत विकसित हुए हैं, सुना है हम बहुत विकसित हुए हैं, पिदर अब आश्रमों पे पल रहे हैं। वेरी नाइस, पिदर अब आश्रमों में पल रहे हैं। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। इवन पेड़ वाला भी बहुत अच्छा था। एक बार मेरी बेटी ने पता नहीं 7-8 साल पहले एक पोएम लिखी थी, तो उसमें ऐसे स्टार्ट किया था, वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ ट्री, वंस अपॉन अ टाइम वी यूज्ड टू हैव अ पेन लाइक लॉन्ग। ओह वाओ, दैट्स नाइस। द किड्स आल्सो नो, यू नो। अलका जी एक बार आप भी वाह वाह कर दीजिए, आप साथ में फ्रेम में आते हैं और आप चुपचाप सुनते हैं। अभी वो शस्त्र की कविता नहीं हुई है, अभी टाइम लगेगा। ऐसे इस पे मुझे ख्याल आया, मैंने सोचा ये सवाल मेरे दिमाग में आया उत्सव जी, बट कभी आज ये इस पे निकल रहा है, तो गुस्ताखी माफ। आप जैसे गजलों में और संस्कृत, मैंने नोट दोनों को ला रहे हैं अभी, तो इस पे आप क्या समझते हैं कि भाई आप कोई जब लिखता है तो यार कि आप अपने लिखते हैं तो आपको इतना मन से इतना अच्छा लगता होगा, पूरे हफ्ते दो हफ्ते तक एक अच्छी गजल निकली तो आप खुद ही आत्म विभोर रहते होंगे, ऑडियंस को लेके आपको कभी कोई दिक्कत महसूस होती है कि एक शब्द संस्कृत का दूसरा अगर उर्दू का? नहीं ऐसा है ना, देखिए आज जो हम लोग हिंदी बोलते हैं या इवन उर्दू बोलते हैं तो ऐसा नहीं है कि वो विभाजन करती है, जो शब्द चल गया है वो चल गया, चाहे अंग्रेजी का हो। इसी में देखिए एक पिदर आया है और उसके नीचे पादप आया, पिदर पर्सियन है और पादप, तो जो शब्द लोग समझते हो तो हमें लगता है कि किसी शब्द में किसी सेक्ट या उसकी बू हमें नहीं आती। अभी और अनूप जी ने एक बहुत अच्छा आर्टिकल भेजा था, याद है अपने ही ग्रुप में, कि संस्कृत पर्शियन रूट लैंग्वेजेस दे आर सो सिमिलर, तो मीनिंग्स तो इन सभी जो ओरिजिनल लैंग्वेजेस थी उनके रूट तो बहुत ही सिमिलर हैं। इनफैक्ट बहुत सारे अंग्रेजी के वर्ड है जिनको हम हिंदी में अलग तरह से उच्चारण करते हैं पर नाम तो वही है, जैसे कमिटी में समिति होता है हमारे हिंदी में, सब बोल दो, ऐसे बहुत वर्ड्स हैं। तो आई थिंक हैविंग मोर देन वन लैंग्वेज इन अ पोएम इज गुड साइन ऑफ अ कंटेंपरेरी पोएम, व्हिच इज वेरी, देन यू कैन यूज द कॉन्टेक्स्ट। कृष्ण बिहारी, अभी कृष्ण बिहारी नूर के जो शेर थे उसमें भी एक फ्रेम शब्द था, चाहे तो और उर्दू हिंदी दोनों है उसमें। आप देख लीजिए, मैंने बहुत सारी पाकिस्तान की गजलें पढ़ी हैं, उसमें भी बहुत हिंदी के शब्दों का वो क्यों लिखे हैं, वो उर्दू में लिखते हैं, सब उर्दू में लिखते हैं उनका सारा, लेकिन जो शब्द जहाँ पे भारी लगता है वो लगाना पड़ेगा आपको। नहीं, और भाषा के लिए ये होता है कि कॉन्टेक्स्ट क्लूज यूज करो, अगर एग्जैक्ट नहीं मीनिंग है ना, यू कैन मेक आउट द मीनिंग इफ इट इज यूज्ड इन अ सेंटेंस, यू नो, राइट। किसी भी भाषा के शब्द लाए जा सकते हैं, बहुत विद्वान हो तो। हेलो, चतुर्वेदी जी, चतुर्वेदी जी, अच्छा जी अभी सोए नहीं, चतुर्वेदी जी मेरी आवाज आ रही है क्या भाई? आ रही है, आ रही है। तो मैं दिख तो नहीं रहा हूँ, मैं बनियान वनियान नहीं पहन रखी है, लुंगी बांध रखी है केवल, इसलिए दिख तो नहीं रहा हूँ। तो अच्छा है, इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ आपने, आपने बता के ही कल्पना करा दी है, तो भी दिख रहे हैं आप। तो बोलिए बोलिए। तो संस्कृत के जो संस्कृत के शब्द हैं, जो पर्शियन वगैरह की बात की, तो जो हमारी नॉर्थ की भाषाएं हैं उनको इंडो यूरोपियन कहा जाता है, तो ग्रीक और पर्शियन और संस्कृत इनका आपस में लिंक है, और एक शब्द ग्रीक से चल के और संस्कृत में और फिर हिंदी में किस तरह से उसका रूप बदल जाता है, तो आप देखेंगे कि जैसे वो शब्द चलते चलते और यहाँ बदल रहा है, आपको बिल्कुल दिखाई देगा कि शब्द चल रहा है, लोग चल के नहीं आ रहे हैं, शब्द चल के आ रहे हैं। और संस्कृत के शब्दों में मान लीजिए थोड़ा सा हम जानते हैं, तो आपने जो पादप शब्द का प्रयोग किया है, अब वृक्ष है ठीक है, उसका पर्यायवाची है, लेकिन जितने पर्यायवाची संस्कृत में है उतने किसी भाषा में नहीं है पर्यायवाची, किसी में नहीं मिलेंगे आपको। सही है। और उनका अद्भुत अर्थ देखिए, पादप का अर्थ होता है जो अपने पैरों से पानी पीता है, पैर से पानी, जो अपने पैरों से पानी पीता है वो पादप होता है, तो पेड़ की जो जड़े हैं जमीन में वो उसके पैर हैं, वो उनसे पानी पीता है। तो अगर
इस तरह से मैंने कहा ना कि घर में भाई एक आध डिक्शनरी रखनी चाहिए हमें, जिससे कि शब्दों के अर्थ देख लें। तो अगर आप पादप का अर्थ देखेंगे और उसमें उस तरह से दिया होगा तो आपको बहुत आनंद आएगा कि अच्छा यार नहीं, ये, हाँ, हम यही इस तरह से तो हमने पेड़ को देखा ही नहीं था। बिल्कुल तो बिल्कुल, पैरों से पानी पी रहा है। चलिए चलिए अच्छा है। इवन स्पेनिश के भी कुछ शब्द हैं जो हिंदी और स्पेनिश, जैसे जुपाता, जूते, माद्रे, मदर, बहुत सारे स्पेनिश के जो शब्द हैं वो बिल्कुल हिंदी के हैं। बिल्कुल बहुत से तो ये पता चल रहा है कि अभी हमारी महफिल अभी में एक्साइटमेंट है। जोशी साहब जी अभी सोए नहीं है तो महफिल को आगे बढ़ाते हैं। महफिल को आगे बढ़ाते हुए प्रयास रहेगा कि अब अगली जो हमारी प्रेजेंटर है वो महिला हो। तो मेरा रिक्वेस्ट है विमी जी से आप अपनी पोयम या गीत सुनाने का कसीजिए। आप सबको नमस्कार। तो पहले तो मैं दो लाइन अपनी हिंदुस्तानी महफिल के लिए बोलना चाहूंगी जो मैंने अभी बैठे बैठे लिखी है। तो वो ये है दुआ मेरी कि गुलशन में फूल खिलते रहे, है दुआ मेरी कि फूल खिलते रहे, हमारी प्यारी सी हिंदुस्तानी महफिल बस यूं सचती सवरती रहे। क्या बात है। हिंदुस्तानी महफिल बस यूं ही सचती सवरती रहे, इस महफिल पे है नाज मुझको, इस मेरी महफिल पे है नाज, सिखलाती अपनापन का ये एहसास मुझको, सिखलाती अपनापन का ये महफिल एहसास मुझको, इस प्यारी सी महफिल का है क्या कहना, इस प्यारी सी महफिल का है क्या कहना, लगता है हमेशा महफिल मुझे अपनापन और अलबेलापन। धन्यवाद। अब मैं अपनी कविता जो शुरू कर रही हूँ। वैसे मैंने ये वाली कविता एक बार पहले पढ़ी है पर आई थिंक उसमें काफी लोग उस दिन शरीर है तो मैंने सोचा मैं इस कविता को वापस आज पढ़ती हूँ। तो मैं सबको आप अपने बचपन की मेमोरी बहुत छोटी है तो आप दोबारा भी पढ़ेंगे तो हमें फिर से नहीं लगेगी वो। नहीं मैं इसलिए पढ़ना चाहती हूँ कि आपको सबको अपना बचपन याद आएगा। और उस कविता के अंदर मैंने जो भी अपन बचपन में गेम खेलते थे, उस टाइम तो अपने पास सेलफोन कंप्यूटर ये सब कुछ हुआ नहीं करता था तो किस तरह से अपन अपना बचपन बाहर गुजारते थे फ्रेंड्स के साथ, तो उसमें मैंने एक 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 है ना जो अपने बिना पैसे के जो गेम है उसका मैंने इसमें वर्णन किया है इसके अंदर, इसलिए मुझे बड़ी अच्छी लगती है। मैंने खुद ने इसको रीराइट किया। तो मेरा कविता का शीर्षक है बचपन। और देखिए कविता और सुंदरता उन दोनों की एक कॉमन विशेषता होती है कि वो हमेशा नए लगते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, धन्यवाद। अगर कविता वास्तव में कविता है तो हर बार कोई ना कोई अलग मीनिंग उसका निकलेगा, इसीलिए कोई कवि अपनी कविता का अर्थ लिख करके नहीं जाता है, वो पढ़ने वाले पर छोड़ देता है और फिर आप अलग अलग मूड में पढ़ेंगे तो अलग अलग उनका अर्थ भी निकलेगा। बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ एकदम ठीक। तो चलिए आप इसमें बस इतना सा ध्यान दीजिएगा कि इसमें सारे गेम के नाम है उसमें। अटकन दही चटोकन, अटकन पटकन दही चटोकन, याद आता मुझको मेरा बचपन, याद आता है मुझको मेरा बचपन, कंचे पाचे ताश और चिए, कंचे पाचे ताश और चिए, आता है चिए ना, इमली में से बीज निकलते हैं उसको चिए बोलते हैं। या वो होते थे इमली के बीज। हाँ जो काले कलर के बीज होते हैं उसको चिए। वाटरमेलन के नहीं नहीं एक इमली इमली होती ना बीज में से निकल जाते थे, दो व्हाइट पॉड होता था बाद पर्पल होता था। मुझे मालूम है दो बहनें थी उनके साथ राइट वो उल्टा सीधा करके पांच। तो ब्राउन ब्राउन बरगंडी कलर के है ना। एग्जैक्टली ब्राउनिश कलर के बहुत खेलते थे चिए। पंचे पांचे ताश और चिए, हम अपना बचपन भरपूर जिए, हम अपना बचपन भरपूर जिए, पकड़म पार्टी छुपम छुपाई, पता है पकड़म पार्टी किसको बोलते हैं? पकड़म पकड़म है ना, हाँ नदी पहाड़ जैसा। पकड़म पार्टी छुपम छुपाई, हमने जी भर धूम मचाई, हमने जी भर धूम मचाई, नदी पहाड़ और साकल बंदी, नदी पहाड़ साकल बंदी, करी ना बातें कभी हमने कोई गंदी। यकीन नहीं है। छोटे बच्चे ना, छोटे बच्चों की बात बता रही हूँ मैं, बचपन की राइट।
करी न बातें कभी कोई गंदी, खोखो फुगड़ी गिल्ली डंडा, खोखो फुगड़ी गिल्ली डंडा, शान से लेकर निकले हम झंडा, शान से लेकर हम झंडा, हमने खूब पतंग, हमने तो है खूब पतंग उड़ाई, और करी साथ में खूब पढ़ाई, और करी साथ में खूब पढ़ाई, सितोलिया भौरा और गधा मार रेड गेम हुआ करता था बॉल से खेलते हैं उसको, सितोलिया भौरा और गधा मार, मिला हमेशा हमें सबका प्यार, मिला हमेशा हमें सबका प्यार, लूडो कैरम लोटा पानी, लूडो कैरम लोटा पानी, आपको पता है लोटा पानी का गेम? जैसे रोटा पानी बोलते हैं ना, बच्चे मिलके खेलते हैं साथ में, घर घर, घर घर जिसको बोलते हैं, हाउस हाउस, तो उसको रोटा पानी बोलते हैं, जैसे किचन में खाना बनाना, इस तरह से छोटे बच्चे मिलके खेलते हैं। तो लूडो केरम लोटा पानी, हमेशा बड़ों की बात है मानी, हाँ बड़ों की बात है मानी, किराए की साइकिल और छोटे 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 कॉमिक्स, किराए की साइकिल और छोटे छोटे कॉमिक्स, जैसे थे वो हमारे सबसे बड़े अच्छे और टॉनिक, जैसे थे वो हमारे सबसे बड़े अच्छे और टॉनिक, बचपन के ये खेल न्यारे, बचपन के ये खेल न्यारे, कितने सुंदर कितने प्यारे, अटकन बटकन दही चटोकन, फिर से लौट आ मेरा बचपन, धन्यवाद। अरे वाह क्या बात है, बहुत बढ़िया लौटा दिया विमी, वेरी नाइस विमी। अटकन बटकन दही चटोकन, इसका मीनिंग बताओ, ये सुना बहुत है पर ये जो अपने दोनों हैंड्स होते हैं ना, तो जैसे तीन चार लोगों के हाथ ऐसे ग्रुप में रख के और बच्चों को सुनाया करते थे। अच्छा अच्छा मैं समझ गया, हमारा गेम अलग है, मारवाड़ी लैंग्वेज में है, इसकी चार लाइनें भी है ना, अटकन बटकन दही चटोकन, राजा गया दिल्ली, दिल्ली से लाया बिल्ली, बिल्ली गई ना ऊना से लाई चूना, चूना निकला कड़वा, इस तरह से इसकी चार पांच लाइन है। हमारे पता है हर जगह का अलग होता है, जैसे तुमने वो बताया ना लोटा पानी, हम हमेशा उसको हाउजी घर घर की ऐसे करके खेलते थे, नाम ये वाला हाँ, हमारे लोटा पानी बोलते हैं, और ये जो तुमने अभी बताया ना अटकन बटकन, वो हम लोग बोलते थे इन्नी गिन्नी चांद चकोरी, ऐसा कुछ है, एक मारवाड़ी लैंग्वेज में पूरा, मैंने बचपन में बच्चों को खूब सिखाया यहाँ पे भी, क्योंकि अलिफिया और मिसबा को मैं यूं हाथ लगवा के फिर वो यूं करते हैं राइट, और फिर कर देते हैं यहाँ पर बच्चों चबोरिया खेलते थे, पिट्ठू गरम गुल्ली डंडा लोटा पानी आपने कहा तो मैं कंफ्यूज हो रहा था थोड़ा सा। हाँ, नहीं, हम वो ही नहीं चाहते थे, मुझे पता था ऐसा होगा, लेकिन वहाँ वो हम नहीं, मेरे को किसी ने पहले आगाह किया था कि मैंने पूछा था कि इस तरह के गेम्स के कुछ नाम, तो उन्होंने कहा कि कुछ लोग तो यहीं पे रही है, महफिल तक ही रही है, साहित्य तक रही है। चलिए अटकन बचकन दही चटकन आगे बढ़ते हैं, बहुत सुंदर कविता आपने सुनाई, धन्यवाद एक बार फिर सुनाया, क्योंकि मुझे पिछले दो महीने से तो मैं मिस कर गया था, अच्छा लगा सुन के, क्या बात है। चलिए अब हम इनवाइट करते हैं अनूप जी को, अनूप जी शायद किसी कविता की कमेंट्री करना चाहते हैं, अनूप जी आपका स्वागत है, आप म्यूट पे हैं अनूप जी। शुक्रिया गिरीश जी, मैं आज बहुत आनंद आया, बहुत अच्छी कहानी, खूबसूरत कहानी सुनी, बहुत अच्छी कविताएं सुनी, अच्छे गीत, वो मुझे लगा कि इसी स्वभाव में रहना चाहिए, कुछ गड़बड़ा ना जाए, तो लेकिन अब आपने पूछ लिया तो मैं एक कविता के ऊपर काम कर रहा था मैं, तो ये एक बात से इसके पीछे एक छोटी सी एक कॉन्टेक्स्ट है जो मैं बताना चाहूंगा। तो उत्सव जी जोशी जी का म्यूट कर सकते हैं, कौन है, हु इज द होस्ट, वही अभी हम वही कर रहे हैं, कर दिया हमने, ओके थैंक यू। तो जब मैं हम लोग छोटे थे तो हमारे घर में बर्थडे नहीं होता था, लेकिन और लोगों के यहाँ होता था, तो हम लोगों को इनविटेशन जाता था,
होता था तो हम लोग जाते थे, गिफ्ट देखते थे, लोगों को गिफ्ट लेके जाते थे, और छोटे बच्चे को लगता कि यार मैं दे रहा हूँ गिफ्ट, मुझे तो कोई देता नहीं है। तो हम लोग वापस आते थे अपने घर में, तो कई बार ऐसे बोलते कि हमारा बर्थडे होना चाहिए, मम्मी को भी बोलते थे, पापा से तो डरते थे कि क्या बोलेंगे पापा को। लेकिन एक बार पापा ने बिठाया, बोला कि भाई देखिए आपका जन्मदिन तो साल में दो बार आप सबका एक साथ ही मनाया जाता है और बहुत बड़े विशाल स्तर पे मनाया जाता है। तो मैंने कहा भाई क्या है, तो उन्होंने बोला एक बार जन्माष्टमी आती है और एक बार रामनवमी आती है और हर बच्चे का जन्मदिन है वो, तो हर बच्चे का जन्मदिन उसी दिन मनाया जाता है। अब ये बर्थडे की परंपरा तो आई है हमारे यहाँ बाहर से, तो अब हम बर्थडे मनाते हैं बच्चों का, बच्चों के ही बर्थडे थे वो रामनवमी और जन्माष्टमी। तो वो एक बात हम लोगों के, फिर हमें कभी भी मेरा बर्थडे, हम लोगों का बर्थडे तो कभी भी नहीं मनाया गया। वो अलग बात है कि जब पिताजी बहुत बुजुर्ग हो गए तो हम ही उनका बर्थडे मनाने लगे, तो हमेशा ठगासी मारते थे करते थे, कहते थे कि ठीक है भाई तो दिस इज आयरॉनिकल फॉर मी, तो यही बोलते थे। तो अभी कुछ दिनों से मैं कुछ समय से कभी कभार समय मिलता है तो मैं रामायण, वाल्मीकि के रामायण को पढ़ता हूँ। तो उसमें वाल्मीकि के रामायण में बहुत खूबसूरत जिक्र है राम के जन्म का, और बाद में तुलसीदास जी ने भी उसी से इंस्पायर होकर लिखा है। लेकिन अगर मुझे कंपेयर करना पड़े तो वाल्मीकि का जो डिस्क्रिप्शन है वो बहुत ही खूबसूरत है। और हाँ, वो संस्कृत में है तो थोड़ा ये रहता है कि संस्कृत जिसको नहीं समझ में आती होगी उनके लिए बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो मैंने उसी से इंस्पायर होके कुछ समय पहले मैंने पढ़ा, मेरे पिताजी की बात भी याद आई, तो मैं उस पे एक कविता बनाने की कोशिश करी मैंने, जो और उसमें जो कॉन्टेक्स्ट है उसका, जो उसमें जो डिस्क्रिप्शन है वो वाल्मीकि से लिया हुआ। तो कविता का नाम है राजकुमार का जन्म। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। चढ़ते आकाश के शीर्ष पर मुस्कुराए चमकते खड़े थे पांचों ग्रह। चढ़ते आकाश के शीर्ष पर मुस्कुराए चमकते खड़े थे पांचों ग्रह। चंद्रमा जा पहुंचा था कर्क राशि के घर में। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। बृहस्पति के ज्योति में नहाए माता कौशल्या के घर, बन एक शिशु प्रभु आए। बृहस्पति के ज्योति में नहाए माता कौशल्या के घर, बन एक शिशु प्रभु आए। राम लल्ला पर थी अदिति की छाया, अजरों के इस दिव्य कुंवर को माँ ने जब झूला झुलाया। रामलल्ला पर थी अदिति की छाया, अजरों के इस दिव्य कुंवर को माँ ने जब झूला झुलाया। हुआ वो प्रज्ञा के वात्सल्य से शोभित, हुआ वो प्रज्ञा के वात्सल्य से शोभित, बना माता का वो हर्ष, और हर बाल में प्रतिबिंबित हो आई उसकी काया। हुआ वो प्रज्ञा से वात्सल्य से शोभित, बना माता का वो हर्ष, हर बाल में प्रतिबिंबित हो आई उसकी काया। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या के राजमहल में चांदनी थी छाई। राम जो संसार का था पालनहार, बना रानी कौशल्या का राजकुंवर। राम जो संसार का था पालनहार, बना रानी कौशल्या का राजकुंवर। बैकुंठी लावण्य से सुशोभित हो, लिए चक्र हाथ में, कमल नयन था दशरथ का ये ज्येष्ठ पुत्र। बैकुंठी लावण्य से था सुशोभित वो, लिए चक्र हाथ में, कमल नयन था दशरथ का ये ज्येष्ठ पुत्र। अर्धी ओजस विष्णु का था प्रकट उसमें, अर्धी ओजस विष्णु का था प्रकट उसमें, पर आया था वो निर्बलों का संरक्षक, बन के दुष्ट रावण का काल। अर्धी ओजस विष्णु का था प्रकट उसमें, पर आया था वो निर्बलों का संरक्षक, बन के दुष्ट रावण का वो काल। जब चैत्र की नौमी लौट फिर आई, अयोध्या राजमहल चांदनी थी छाई। बहुत सुंदर, बहुत अच्छे, बहुत ही अच्छे। अपने अनूप जी, आपने सिर्फ ट्रांसलेशन किया है या आपने लिखी है ये मैंने लिखी है ये, लेकिन टोटल इंस्पिरेशन, मतलब कि जो मैंने कहा ना, जो कंटेंट का डिस्क्रिप्शन है, जैसे ग्रहों का जिक्र है, बृहस्पति का, वो वाल्मीकि ने किया,
तो कॉन्टेक्स्ट जो है बहुत अच्छा लिखा आपने, क्योंकि खास करके जो वर्ड्स लिए हैं आपने वो श्लोक है, तो संस्कृत के श्लोक हैं जिसमें राम वाल्मीकि ने जिस तरीके से उसको वेरी नाइस किया है और सरलता से लिखा गया है आपने, जो वाल्मीकि का जो डिस्क्रिप्शन है बड़ा सरल कर दिया डिस्क्रिप्शन, क्योंकि श्लोक में है और काफी जैसे संस्कृत में क्या होता है कि कोई भी शब्द है उसमें बहुत कॉन्टेक्स्ट भरा रहता है, उसकी मीनिंग बहुत ही डीप, मतलब कि आप एक दो लाइन का श्लोक है उसको अगर ट्रांसलेट करेंगे तो 5-10 लाइन लिखना पड़ जाएगा, पूरा लिखना पड़ेगा। वेरी गुड यूज ऑफ प्योर हिंदी, हिंदी के जो वर्ड्स हैं विलंबित एंड ऑल दैट वो कहाँ इतना आसानी से हम लोग अपनी पोएट्री में यूज करते हैं, तो दैट वाज वेरी नाइस। मैंने कभी ये बताया नहीं है, मैं छठी क्लास में हिंदी मैंने सीखी है, छठी क्लास में जब मैं पहुंचा तब मैं हिंदी सीखना। सीरियसली हिंदी मतलब मैं मगध से हूँ तो मगही घर में सुना जरूर था बोलते हुए, लेकिन लिखना पढ़ना नहीं जानता था। और मैंने प्राइमरी एजुकेशन तो मुझे हिंदी आती भी नहीं थी, हिंदी पढ़ ली, लेकिन उसके बाद मैंने बहुत मतलब कि हमारे पिताजी की लाइब्रेरी बहुत बड़ी थी तो उसमें बहुत हिंदी की किताबें थी, एक बार पढ़ना शुरू कर दिया तो फिर वो एक अनूप जी वो वाल्मीकि रामायण में आप कहाँ तक पहुंचे हैं अभी पढ़ते हुए मतलब? हाँ तो मैं अभी क्या कहते हैं जब ये जो बालकांड है वही खत्म किया मैंने उनका, जो शुरू कर है ना जिसमें वही अभी खत्म किया है वो। अभी हम भी शुरू किए, हम कई बार पढ़ चुके हैं। हम ये चीज कहना चाहेंगे कि आप जब संपाती की कहानी में पहुंचेंगे तो कई श्लोक है जो अगर उसकी मीनिंग आप समझना चाहें तो बहुत बड़ा क्वेश्चन लगेगा कि उस समय अर्थ के बारे में संपाति को और जटायु को कितना मालूम था, कैसे बताता है कि कितनी हाइट कैसे दिखती है, उस पर जरा गौर करिएगा। आई थिंक दैट इज गुड एनफ टू थिंक कि हम लोगों को पहले कितनी नॉलेज थी, जिस तरह बताता है कितनी हाइट पे क्या दिखता है। हाँ, वो बहुत इंप्रेसिव है। वो जिक्र उस हिस्से का जिक्र केरला में जो वो पक्षी बना है ना, जटायु जो पक्षी बनाया गया है केरला में, वहां पर उसी हिस्से का जिक्र है। अच्छा, कि वो जो नेशनल पार्क में उन्होंने बनाया है ना एक बहुत ही विशाल जटायु बनाया। हाँ, सुने हैं उसके बारे में, तो वो उसमें उसी का जिक्र है। और वाल्मीकि के रामायण में बहुत इंटेंस डिस्क्रिप्शन है नेचर का, हर हिस्से में नेचर और प्रकृति का बहुत बहुत। नहीं नहीं, वो तो है मतलब बात में तो खैर। और आप जो कौशल्य और शिशु का बता रहे थे ना, आई डोंट नो व्हाई पर मेरा ध्यान वो बिल्कुल ये जो इंग्लिश में ज्यादातर जीसस क्राइस्ट के जन्म के लिए इसी तरह के कुछ वो होते हैं ना कि वो शिशु के लिए, तो इट्स सो नाइस टू सी ना कि कल्चरली इफ यू गो अक्रॉस द स्पैन ऑफ द वर्ल्ड इट्स सिमिलर फीलिंग्स राइट ऑफ सर्टेन गॉड्स एंड सर्टेन अपने जो अवतार हैं या उनके जो जन्म की बातें हैं और उनके उनकी मदर्स के बारे में जो है। इट वॉज वेरी वेल डन, वेरी 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 नाइसली डन दिस पोएम। आप ट्रांसलेशन बड़ा जबरदस्त करते हैं, चाहे वाल्मीकि से हो। लास्ट टाइम आपने उसका किया था ना, किसका, माया खलील जिब्रान का। खलील जिब्रान का, यस, वेरी नाइस। आई थिंक इट्स अ गुड प्लेटफॉर्म। मैं पहले भी बोल चुकी हूँ कि आई एम ऑल्सो इंटरेस्टेड, अगर कुछ लोग इंटरेस्टेड हैं तो अलका को मालूम है, मैंने अलका से बात की थी कि आधा घंटा या कुछ अगर हम वंस इन अ वाइल वाल्मीकि रामायण पढ़े या डिस्कस कर रहे हैं, तो इफ एनीवन्स इंटरेस्टेड वी कैन गो दैट। हम तो कर रहे हैं रोज, लेकिन थोड़ा थोड़ा। हाँ, लेकिन एक उसको डिस्कस करने में मजा आता है ना पढ़ने के बाद। चलिए, महफिल बहुत मस्त चल रही है आज, सब अपना अपने अपने तेजस से हम सबको नहला रहे हैं। अब मेरा प्रयास यही रहा कि महफिल आगे बढ़ती रहे, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि फैदी जी अपने सिल्क की वॉइस से हमारे को कोई नया गीत सुनाने का प्रयास कीजिए। फैदी जी। हाँ, धन्यवाद धन्यवाद सबको। आवाज सुनाई दे रही है? हाँ जी, बिल्कुल। चलिए, तो मैं सुनाऊंगा आज गाना वो जो है वो फिल्म है बुढ़ा मिल गया, किशोर जी ने गाया है ये गाना। तो अब तक आप लोग जान चुके होंगे कौन गाना कौन सा है, तो शुरू कर देता हूँ। रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई, रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई,
सुबह को जब हम नींद से जागे आंख तुम्ही से चार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत चाहे हसीन उड़ा दो ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं हो सके तुम ही बता दो चाहे कहो इसे मेरी मोहब्बत चाहे हसीन उड़ा दो ये क्या हुआ मुझे मुझको खबर नहीं हो सके तुम ही बता दो तूने कदम जो रखा जमीन पर सीने में क्यों झनकार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई सुबह को जब हम नींद से जागे आंख तुम्ही से चार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई आंखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा सांवली सूरत मोहनी मूरत सावन ऋतु का सवेरा आंखों में काजल और लटों में काली घटा का बसेरा सांवली सूरत मोहनी मूरत सावन ऋतु का सवेरा जब से ये मुखड़ा दिल में खिला है दुनिया मेरी गुलजार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई सुबह को जब हम नींद से जागे आंख तुम ही से चार हुई रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई बहुत सुंदर बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मेरे को ये कहना पड़ेगा कि जब मैं बचपन में गीत सुनता था तो मैं रात चली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई तो मुझे लगता था गले का भार हुई अच्छा आपको बचपन में और जो आंखें चार हुई मुझे लगता था अचार हुई ये भार हुई अचार हुई समझ नहीं आती मेरी बात बड़े समय बाद में समय आई ये आंखें चार और गले का हार चलिए बहुत सुंदर ये फिर मैंने मूवी देखी है बाद में बहुत सालों बाद मूवी देखी बुड्ढा मिल गया तो बहुत सुंदर गाना गया नवीन निश्चल थे उन्होंने इस पे एक्टिंग करी थी लेकिन बड़े सुंदर गाना था यहाँ मुझे जब इन्होंने बोला ना बुड्ढा मिल गया तो मैं भूल गई कि वो मूवी के लिए बोल रहे हैं तो मैं सोची कि पैडी जी गाना गा रहे हैं मैं क्या करूं राम मुझे बुड्ढा मिल गया उस फिल्म का एक गाना बहुत अच्छा था कहां से आयो घनश्याम आयो कहां से घनश्याम अनुरोध करूंगा कि अब नीलमा जी आप श्रोतामन क्या आई हैं या आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगी मुझे लगता है कि आप पार्टिसिपेट करना चाहेंगी तो महफिल की तरफ से मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप कुछ सुनाइए प्रिपेयर तो नहीं किया था गिरीश जी बट आई वाज जस्ट ब्राउजिंग थ्रू तो एक रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है क्या बात है आपने तो हमारी परंपरा को बना के रखा हुआ है इस महीने को रामधारी सिंह दिनकर का बर्थडे है
तो इसका शीर्षक है कोई अर्थ नहीं। नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, नित जीवन के संघर्षों से जब टूट चुका हो अंतर्मन, तब सुख से मिले समंदर का रह जाता कोई अर्थ नहीं। जब फसल सूख कर जल के बिना तिनका तिनका बन गिर जाए, जब फसल सूख कर जल के बिना तिनका तिनका बन गिर जाए, फिर होने वाली वर्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, संबंध कोई भी हो लेकिन यदि दुख में साथ न दे अपना, फिर सुख में उन संबंधों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, छोटी छोटी खुशियों के क्षण निकल जाते हैं रोज जहां, फिर सुख की नित्य प्रतीक्षा का रह जाता कोई अर्थ नहीं। मन कटु वाणी से आहत हो, मन कटु वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, मन कटु वाणी से आहत हो, भीतर तक छलनी हो जाए, फिर बात कहे प्रिय वचनों का रह जाता कोई अर्थ नहीं। सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, सुख साधन चाहे जितने हो पर काया रोगों का घर हो, फिर उन अनगिनत सुविधाओं का रह जाता कोई अर्थ नहीं। वाह क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत ही प्यारी, थोड़ा सा नेगेटिव नोट है बट आई थॉट इट वाज गुड। नहीं नहीं, इट इज वेरी गहरी, बहुत अच्छी, पॉजिटिव नोट पे खत्म किया है। लाइफ ये स्कूल में पढ़ते थे, मुझे तो बहुत ही अच्छी लगती थी, वेरी नीलिमा, क्योंकि इट्स द रियलिटी ऑफ द लाइफ। हां या अच्छा होता है, इट हैड सम रियल प्रैक्टिकल थिंग्स व्हाट दैट। ये तो है, दिनकर जी, दिनकर जी वैसे वीर रस के कवि हैं, उन्होंने जो लिखा है और जो संसद में कहते थे, नेहरू के सामने कहते थे, वो मिसाल है कि कवि कितना ग्रेट हो सकता है, कितना साहसी हो सकता है। और उसके अलावा वो श्रृंगार रस के भी बहुत अच्छे कवि थे, बहुत लिखे उन्होंने, उनकी कविता दिल्ली पर लिखी हुई। तो मतलब यह है कि उनके दोनों पक्ष है, हम उनको उस मतलब हिमालय के लिए जो लिखते हैं उसके लिए दिनकर मानते हैं, लेकिन उनका चंद्रमा वाला पार्ट भी है, तो बहुत गजब के कवि थे। और वैसे कल हिंदी दिवस भी है, ये भी ध्यान रखिए आप लोग, तो दिनकर को याद करना आज जी। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, क्या बात है, बहुत अच्छी पारी खेली जा रही है आज तो, बहुत सुंदर। चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है नरेंद्र जी, चुप चुप बैठे हो जरूर कोई बात है जी। कविता नहीं आई अभी तक, ऐसी क्या बात है जी, ऐसी क्या बात है। हाँ, कल अर्नब का कुछ प्रोग्राम था और वो प्रोग्राम कैंसिल हो गया बारिश की वजह से, क्योंकि वो आउटडोर में किया जाना था। अच्छा, तो मैंने कहा था कि मैं तो वैसे बीच में जब जब मौका मिलेगा, मैंने बात किया था कि तुम गाड़ी चलाना और मैं सुनूंगा, तो जाने का मौका मिला नहीं, तो बहुत अच्छी बात ये हो गई कि मुझे तो पूरा ही मौका मिल गया फिर सुनने का। बट कभी थोड़ा बिजी रही आज बच्चों के साथ, क्यों वो कुछ रिकॉर्डिंग करके उसको भेजना है शायद कल के हिंदी दिवस के लिए। तो हिंदी दिवस की बात चल रही थी तो मुझे एक आज किसी ने एक भेजा था शेयर, मैं वो शेयर करना चाहता हूँ कि हिंदी उर्दू को मिले ऐसे ठेकेदार, हिंदी उर्दू को मिले ऐसे ठेकेदार जिनके घर की आबरू अंग्रेजी के अखबार। क्या बात है, तो कहीं ये कड़वा सच है, लेकिन ये सच हमारे क्लीवलैंड के IHA के लिए थोड़ा बहुत जरूर है। ये इसकी रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही ना अलका जी? हो रही है, हो रही है, हाँ हो रही है, पहुंच जाएगी उनके पास। जोशी जी है, उनके बोलिए रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है, उनके दो खास मेंबर यहाँ बैठे हुए हैं। बोलिए बोलिए, ऐसी कोई बात नहीं है। राइट, और वैसे जोशी जी यहाँ पे मेरे कल ही मेरे पास विश्वा आई, तो उसमें एक पहली बार मुझे एक बड़ा सुखद एहसास हुआ कि ये पुराने जो एक जज है मार्केंडू, जो उनका मैं नाम ढंग से नहीं ले पा रहा हूँ, उनकी जो टिप्पणियां हैं वो कुछ टिप्पणियां बहुत ही सशक्त रहती हैं और कुछ टिप्पणियां जो लोग उनसे नहीं सहमत होते उनको बड़ा बेवकूफ बताते हैं। अपने आप में उनकी मतलब
वो कहते ना कि क्यों देखें किसी को किसी की नजर से, हम उनकी अपनी हमेशा खुद की नजर रही है। और इस बार उनका एक आलेख जो है वो उस विश्वा में छपा, मुझे पढ़कर बहुत अच्छा लगा कि इस तरह की बातें की गई जैसे हम कई बार करते हैं कि हिंदी क्या है भाई, हिंदी अगर जो है कि क्लिष्ट भाषा का प्रयोग करना हिंदी तो जरूरी नहीं है कि वही हिंदी हो, संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना जरूरी नहीं वही हिंदी हो। तो वही जैसे हम हिंदुस्तानी बात पे कई बार करते हैं कि कल भी मैं किसी के यहाँ बैठा था तो बात कुछ इस तरह से हो रही थी कि जहां से मैं पला बड़ा हूं वहां पे ऐसे क्लिष्ट हिंदी शब्दों का प्रयोग हमें बहुत कम सुनाई दिया, हमें आम बोल चाल के ही शब्दों का प्रयोग सुनाई दिया जिसमें उर्दू के शब्द भी काफी आते थे। और वहां की तो कचहरियों में आज तक भी अगर कि वो अगर हिंदी शब्दों का इस्तेमाल कर दें तो वो लिखी नहीं जाएगी, जो भी आपकी बेल पत्र वो कोई नहीं कहेगा उसको। तो मैंने वो देखे कि उस तरह, तो मुझे ये बड़ा अच्छा लगा कि ये हमारी मैच्योरिटी है कि हम डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस को भी अगर जगह दे पा रहे हैं तो इसी तरह से एक किसी भाषा का विकास होता है। इसीलिए तो तत्सम तद्भव शब्दों का प्रयोग होता है कि आधे संस्कृत से आए आधे उर्दू से आए और हम हिंदी को और बढ़ाए। खैर ये तो हिंदी की बात चली तो मुझे मुंह से ये सब निकलने लगा। एक गजल है मेरे पास वो सुनाता हूँ। बनाएंगे खुद अपना नसीब, बनाएंगे खुद अपना नसीब, वश में हालात है क्या, बनाएंगे खुद अपना नसीब पर वश में हालात है क्या, बिगड़ जाए है जब वक्त, बिगड़ जाए है जब वक्त फिर अपनी बिसात है क्या, बिगड़ जाए है जब वक्त फिर अपनी बिसात है क्या। और बड़े दानिश बड़े हुनरमंद भी ना समझी कर बैठे हैं, दानिश इज लाइक वेरी एजुकेटेड लर्नड पीपल, बड़े दानिश बड़े हुनरमंद भी ना समझी कर बैठे हैं, आपा खो जाए एक पल में गुस्से में वो बात है क्या। वाह वेरी नाइस वेरी नाइस। हमारे इधर आपा शब्द का मतलब इधर आम हिंदी बोलचाल में कम सुनाई देता है कि भाई मैं अपना आपा खो दूं, भाई मैं आप संयम खो दें अपना। तो बड़े दानिश बड़े हुनरमंद भी ना समझी कर बैठे हैं, आपा खो जाए एक पल में गुस्से में ये बात है क्या, बनाएंगे खुद अपना नसीब पर वश में हालात हैं क्या। और बरसों से समझ रहा हूं खुद को, बरसों से समझ रहा हूं खुद को, समझ आया नहीं। अगर सुन रहे होते तो मुझे बड़ा अच्छा लगता क्योंकि वो इसी तरह की बात कर रहे थे स्टार्टिंग में कि आपके अपने विचार हैं, आपके विचारों को ना किसी विचारधारा से इन्फ्लुएंस होना जरूरी नहीं है। बरसों से समझ रहा हूं खुद को, समझ आया नहीं, उलझे हैं या सुलझे हैं मेरे अपने जज्बात हैं क्या। बरसों से समझ रहा हूं खुद को, समझ आया नहीं, उलझे हैं या सुलझे हैं मेरे अपने जज्बात हैं क्या। और शेर यह है कि इस जमीन से ऊपर कोई भला कितना उठ जाएगा। उत्सव जी आपने कहा कि जमीन को तो हमने भर ही दिया कचरे से और अभी अंतरिक्ष को भी हमने कचरे से पाट रहे हैं, इंसिडेंट्स हुए थे कि वो डेब्रीज वर कलेक्टेड, तो उससे कुछ जुड़ने की कोशिश करता है शेर। इस जमीन से ऊपर कोई भला कितना उठ पाएगा, इस जमीन से ऊपर कोई भला कितना उठ पाएगा, मिलना आखिर है खाक में, मिलना बहुत आदम की औकात है क्या। बहुत ठीक हो, बहुत बढ़िया। इस जमीन से ऊपर कोई भला कितना उठ जाएगा, मिलना आखिर है खाक में आदम की औकात है क्या। एक नया इंसान मिला भीतर अपने हो आए हैं जो, और ये मैंने देखा कि मैंने जैसे नोटपैड पे लिखा था और फिर वहीं से मैंने फेसबुक पे शेयर कर दिया। मैंने देखा मैंने भीतर में ना वो छोटे ही की मात्रा लगाई है। एक बार मैं कई बार तेजसी से कह रहा था कि मैं लिख तो लेता हूँ बट आज भी मैं मात्राओं की गलती करता हूँ, तो भाव मेरे
श्योर है मात्राएं की गलती तो यूं ना कि आप लोग सिखाते रहेंगे। एक नया इंसान मिला भीतर अपने हो आए हैं जो, एक नया इंसान मिला भीतर अपने हो आए हैं जो, खुद से खुद मिले, खुद से खुद मिले, इससे बेहतर मुलाकात है क्या। खुद से खुद मिले इससे बेहतर मुलाकात है क्या। एक नया इंसान मिला भीतर अपने हो आए हैं जो, खुद से खुद मिले इससे बेहतर मुलाकात है क्या। और ये अगला शेर मेरा पसंदीदा शेर है, सूरज चक्कर नहीं काटता, सूरज चक्कर नहीं काटता, धरा मुंह मोड़ लेती है। ये मैं इसका मैं नहीं समझाता, सूरज चक्कर नहीं काटता, धरा मुंह मोड़ लेती है, रोशनी की कमी है बस, वरना कहिए रात है क्या। क्या रोशनी की कमी है, वाह। फिर से सुनाइए वाला, आखिरी वाला। सूरज चक्कर नहीं काटता, धरा मुंह मोड़ लेती है, धरा मुंह मोड़ लेती है, अर्थ स्पिन कर जाता है। नहीं काटता, धरा मुंह मोड़ लेती है, रोशनी की कमी है बस, वरना कहिए रात है क्या। वाह, रोशनी की कमी है, रात है क्या, क्या बात है, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। बनाएंगे खुद अपना नसीब, पर वश में हालात है क्या, बिगड़ जाए है जब वक्त, फिर अपनी बिसात है क्या। और मख्तार जी, अजब सी मेहनत तो लगती है, बने है जब गजल। या तुम्हारी तो कमाल की ऐसी बात जोशी जी कह रहे थे, वो सुन नहीं रहे हैं अभी, बट पर तुम लिखते ही इतना अच्छा, उनके कानों तक जाएगी ये बात। अजब सी मेहनत तो लगती है, बने है जब गजल, तपेगा तो लिखेगा नदीम, ये कोई खैरात है क्या। आप जिस तरह से लिखते हो, आप जिस तरह से सोचते हो, जिस तरह से बांधते हो वर्ड्स को, आई थिंक इट रिक्वायर्स अ स्पेशल टैलेंट। यू रियली बाय फार इज द बेस्ट। हर बार एक नई पोएम, नहीं हर बार एक नई चीज लिख के लाते हो और हर बार एक नया अंदाज होता है। आपकी एक खास चीज जो मुझे आज लगी, वो जो आपने बोला ना कि धरा मुंह मोड़ लेती है, मुझे इमीडिएटली जावेद अख्तर जी का वो शेर याद आया जहां उन्होंने कहा था, आई थिंक वो ट्रेन के बारे में है, कि हम मूव हो रहे हैं, जिस तरह ट्रेन में बैठे बैठे लगता है ना कि हम मूव हो रहे हैं, बस चल रहा है कि कहता जिंदगी में हम मूव हो रहे हैं या जिंदगी मूव हो रही है और हम सब ये दृश्य देखते जा रहे हैं। मैं याद नहीं है पर मुझे उनकी एक पोएट्री आज से थोड़े सालों पहले सुनी थी, तब ये यहाँ पर भी सुनाई थी उन्होंने, बिल्कुल बिल्कुल वैसा ही लग रहा है। बहुत अच्छा लिखते हो, बहुत ही अच्छा है, ये तो कमाल का था, वेरी नाइस। रामधारी सिंह दिनकर की एक कविता है द्वंद गीत, उसमें 115 अंतर है, उसमें एक अंतर में कुछ ऐसा ही है जैसे की नरेंद्र सिंह जी बता रहे थे की चाहे जो भी फसल उगा ले, तू जलदार भाता चल, जिसका भी घर चमक उठे, तू मुक्त प्रकाश लुटाता चल, रोक नहीं अपने अंतर का वेग किसी आशंका से, मन में उठे भाव जोन को गीत बनाकर गाता चल, गीत बना के गाता चल। ये आप अपने भावों को गीत बना के गाता चलते हैं, बिल्कुल सुंदर, बड़ा सुंदर लिखते हो आप। ले क्या बात है, महफिल का आज तो बस मजा ही मजा है आज तो। चलिए अब आगे दावत कलाम भेजा जाता है तेज पारिक जी को। तेज पारिक जी, आपको मैं ना आखिर में लाया हूँ, आप हमारे शतक मारने वाले में से हो, अब आप पूरी पारी संभालो, जितना समय बचा हुआ है उसको निकालने की प्रयास करो। तो मैंने पहले सोचा था कि मैं एक मैंने कविता पहले सुनाई थी तो उसमें कुछ और ज्यादा, उसमें क्या होता है जब खुद की कविता लिख लो तो लिखने के बाद में उसको बार बार पढ़ो तो ऐसा लगता है कि नहीं इसको और अच्छा लिखा जा सकता है, तो मैं सोच रहा था वो सुनाऊं या फिर एक बहुत ही अच्छे कवि को, मैंने काफी टाइम से सुनता हूं पर उनके जो गीत है मुझे लगता है हमारी महफिल में कभी सुने जाने चाहिए, देवल आशीष, तो उसको सुनाऊं। तो मैं दोनों सुनाइए, दोनों सुनाइए भाई आप। देवल आशीष वाले गीत के लिए तो हम प्यास बढ़ाएंगे क्योंकि बहुत बढ़िया वो गीतकार हैं। प्रिय तुम्हारी सुधी को यूं भी अक्सर चूम लिया, आप पहले अपना सुनाइए। हाँ तो मैं अपना सुना, पहले वो जो एक मेरा कविता थी मौन का अनुवाद,
तो मैंने उसको दोबारा पढ़ा और फिर दोबारा पढ़ने के बाद मेरे को लगा कि इसमें कुछ एक शब्दों का और अच्छा सुधार हो सकता है। तो मुझे लगता नहीं है कि इतना अच्छा गीत है कि आप लोगों को याद हुआ होगा, उसी समय पे सुना होगा। तो मैं जो सुनाऊंगा शायद नया सा ही लगेगा, पर उसको सुनिए। पर जो उसका अंतिम छंद है, मेरे को लगा कि उसको बेहतर किया जा सकता था और वो बेहतर शायद हुआ भी होगा। गर तुम्हारे मौन का कर मैं सरल अनुवाद पाता, गर तुम्हारे मौन का कर मैं सरल अनुवाद पाता। अंजू जी, विशेष रूप से आज आपके लिए सुनाता हूँ। आपका मौन बहुत कुछ कहता है और माँ का तो मौन है ही, जिसने मेरे को एक कविता लिखवाई है, पर फिर भी आप भी सुनिए इसको मन से। गर तुम्हारे मौन का कर मैं सरल अनुवाद पाता, मैं स्वयं का ही स्वयं से एक नया संवाद पाता। गर तुम्हारे मौन का व्यग्र सागर सा कठिन हूँ और हलचल से भरा हूँ, व्यग्र सागर सा कठिन हूँ और हलचल से भरा हूँ, एक खारा जल हूँ शायद इसलिए प्यासा खड़ा हूँ। अचल मन शांत सरिता मौन साधक बन के बहती, मार्ग में पत्थर मिले जो उनको सालिग्राम करती। क्या बात है। बाहों में भरकर मैं तुम्हें बाहों में भरकर शांति का मकरंद पाता, स्वयं का ही स्वयं से एक नया संवाद पाता, मैं स्वयं का ही स्वयं से एक नया संवाद पाता। मेरी व्याकुलता पवन सी शोर रह रह कर मचाती, मेरी व्याकुलता पवन सी शोर रह रह कर मचाती, तुम अटल चट्टान बनकर शांत मन सबको सुहाती, मैं उमड़ता एक पयोधर शोर कर प्यासा ही रहता। जो गरजते हैं वो बरसते नहीं है। मैं उमड़ता एक पयोधर शोर कर प्यासा ही रहता, तुम सुघड़ मन मेघ श्यामल नीर बिन बोले बरसता, मैं तुम्हारा आच मन कर, मैं तुम्हारा आच मन कर तृप्ति का आनंद पाता, मैं स्वयं का ही स्वयं से एक नया संवाद पाता, मैं स्वयं का ही स्वयं से एक नया संवाद पाता। तुम अलौकिक पुष्प जैसी जो सदा खिलती ही रहती, तुम अलौकिक पुष्प जैसी जो सदा खिलती ही रहती, धूप तम संताप हर सब रंग उपवन में हो भरती, स्वार्थी मन ले भ्रमर सा बेवजह मैं गुनगुनाता, कुसुम रज की चाह में मैं प्रेम का करता दिखावा, मैं तुम्हारी खुशबुओं से खुद का मन चंदन बनाता, मैं स्वयं का ही स्वयं से एक नया संवाद पाता, मैं स्वयं का ही स्वयं से एक नया संवाद पाता। और इस कविता का अंतिम छंद है, जिसकी कुछ शब्दों का हेर फेर किया मैंने पिछली बार सुनाया था उससे और शायद आपको अच्छा लगे, बात वही है। मैं हजारों गीत गाजो बात अब तक कह ना पाया, मैं हजारों गीत गाजो बात अब तक कह ना पाया, तुमने अपने मौन से मुझको अधिक उससे पढ़ाया, तुमने अपने मौन से मुझको अधिक उससे पढ़ाया, पढ़ न पाया मैं तुम्हें तुमसे रहा अब तक अपरिचित, पढ़ न पाया मैं तुम्हें तुमसे रहा अब तक अपरिचित, चाहता था कह न पाया क्यों रखे हर भाव सीमित, चाहता था कह न पाया क्यों रखे हर भाव सीमित, अब तुम्हारे मौन से मैं
अब तुम्हारे मौन से मैं जिंदगी का छंद पाता, मैं स्वयं का ही स्वयं से एक नया संवाद पाता, मैं स्वयं का ही स्वयं से एक नया संवाद पाता। बहुत बढ़िया, एक चीज ये नहीं, गजब का लिखा गया है, गजब के शब्द हैं, गजब के छंद हैं, गजब के भाव हैं। आपकी पहली दो लाइनें ही पूरा भाव बता देती है, बहुत ज्यादा खूबसूरत है पूरी पोयम। पर वो जो फर्स्ट टू लाइंस है ना, मैं स्वयं से खुद स्वयं का संवाद पाता, मैं तो सुनती जा रही थी, मैंने कहा हमारे घर में तो विपरीत है मुश्ताक क्वाइट है, मैं ज्यादा बोलने वाली और सारा वो जोश सारा यहाँ से आता है। तो हमारे गाते होंगे तस्नीम जी, क्या मैं मुश्ताक के लिए गा सकती हूँ ना ये एक जी जो सालिग्राम वाली लाइन है, एक बार आप रिपीट करेंगे, ये महफिल में आपने ही सुनाए है कविता साहब? सुनाए सर, कब सुनाए हैं? कोई बात नहीं, उस दिन आप संचालन कर रहे थे तो ध्यान नहीं गया होगा, हो सकता है, लेकिन कोई अच्छी कविता हमारे कान से गुजरे और हमें याद न रहे ये थोड़ा सा, लेकिन सालिग्राम वाली लाइन सुनाइए आप जरा एक बार फिर, वो गजब की लाइन है, सालिग्राम गढ़ती समथिंग लाइक दैट, पत्थर से सालिग्राम, सालिग्राम वर्ड आया है। तो वो है कि जो जो नदी के किनारे जो पत्थर होते हैं तो वो नदी के लहरों से चोट खा खा के सालिग्राम होते हैं। हाँ, तो लेकिन वो वर्ड कैसे आपने लिखा है? वही बताता हूँ, व्यग्र सागर सा कठिन हूँ और हलचल से भरा हूँ, एक खारा जल हूँ शायद इसलिए प्यासा खड़ा हूँ, तुम अचल मन शांत सरिता मौन साधक बन के बहती, मार्ग में पत्थर मिले जो उसको सालिग्राम, भरकर शांति का मकरंद पाता, मैं स्वयं का ही स्वयं से एक नया संवाद पाता, मैं स्वयं का ही स्वयं से। तेज भाई इस पर एक मिनट हाई लेवल, उसी भाव का अपोजिट एक लाइन है, गजब की लाइन है, फिराक गोरखपुरी ने लिखा है, ठुकरा दे जिस पड़ी शिला को वन के अहल्या जाग उठती है, ये उसी चीज का उल्टा है लेकिन ये भी गजब की लाइन है, बहुत खूब, एनालॉजीज आर अमेजिंग, बहुत बढ़िया। ये पहले भी आपने आपने पहले भी इसको गाया था और तब भी ये इसमें बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सबसे जो मुझे मुझे महसूस हुई वो ये है कि जो संवाद है जिसका जिसका जिस तरीके से आपने डिस्क्रिप्शन संवाद का दिया है, वो इट इज नॉट स्पीकिंग, इट इज अ कम्युनिकेशन, इट्स कम्युनिकेशन, इट कैन बी विद योरसेल्फ एज वेल, एन इंटरप्रिटेशन। मैं दो मीनिंग लेती हूँ उससे, वो संवाद का इंटरप्रिटेशन वर्ड भी मीनिंग लेती हूँ, व्हेन आई लिसन टू योर पोएम इट मेक्स इट, मैं अपना खुद का इंटरप्रेट, अपनी खुद की हस्ती को इंटरप्रेट तुम्हारे थ्रू कर रहा हूँ, दैट्स हाउ आई एम थिंकिंग व्हेन आई एम लिसनिंग टू यू, बहुत ही अच्छा लगता है ये काफी। मैं ये कहना चाहूंगा कि जैसे ये कहा जाता था कि जैसे गुलाब जी के उस पे ना पीएचडी हो रही है ये जो इनका गीत है उसी लेवल का है साहित्यिक कि इसका जो आकलन और आत्मन अगर किया जाए तो उसके ऊपर पूरी किताब भी लिखी जा सकती है। बहरहाल एक शेर है जो मैंने कभी किसी और के लिए लिखा था, लेकिन तेज भाई इतना बढ़िया पढ़ते हैं ना कि भाई वो आजकल उनका मौन भी पढ़ रहे हैं और उनका चेहरा भी पढ़ रहे हैं, तो नीलिमा जी के लिए तेज भाई की तरफ से एक शेर दुआ यही है तुझी को ता उम्र पढ़ू, अब इतना अच्छा पढ़ते हैं तो दुआ यही है कि तुझी को ता उम्र पढ़ू, हथेलियों पे तेरा चेहरा हो किताब ना हो, हथेलियों पर तेरा चेहरा हो लेकिन हथेलियों पे तेरा चेहरा हो किताब ना हो, किताब से बड़ी किताब क्या, बहुत सुंदर। तो आगे क्या सुनाने वाले तेज भाई आपने? मैं देवल आशीष को सुनाता हूँ, और नरेंद्र तुम कह रहे थे कि तुमने हिंदी सुनी नहीं पर तुम देवल आशीष को पढ़ रहे हो तो धीरे धीरे हिंदी का शब्दकोश बढ़ता जाएगा, और कोई भाषा किसी ने नहीं सुनी होती है, सब अपने अपने तरीके से पले बड़े होते हैं। मैं जब तक इस अमेरिका में आया मैंने अंग्रेजी शायद पहली बार इंटरव्यू के लिए बोली होगी अपने वीजा के, तो भाषा क्या होती है कि भाषा को पढ़ना गहन करना और उससे प्रेम करने का एक बात है,
तो यदि कल हिंदी दिवस है तो उसी के ऊपर एक कविता है। और बाय द वे जो हिंदी विश्वा के अंदर जो पढ़ा है वो उनकी उन्मुक्तता हो सकती है, पर मुझे लगता है कि विश्वा का रोल वो नहीं है। जिस तरीके से दिनकर और निराला के ऊपर काटजू जी ने गलत टिप्पणी करी है, मुझे लगता है उसकी भर्त्सना होनी चाहिए, और वो होती रहती है उनकी हर जगह पे, वो जो भी काम करते हैं, पर मेरा उस पर विचार अलग है। गिरीश जी को कि अगर आखिर में वक्त होगा तो मैं जरा हिंदी और उर्दू के ऊपर कुछ बोलना चाहूंगा बाद में, आखिर में। तो एनीवे ये वाली मैं कविता सुनाता हूँ देवलाशीष, मुझे लगता है हिंदी का बहुत ही अच्छा गीत है, और इसके कुछ शुरू के जो छंद हैं वो कृष्ण पे हैं और अंतिम के छंद राधा पे हैं। तो बहुत ही किस तरीके से उन्होंने इसको लिखा है कि पहले के कुछ छंदों में कि कृष्ण राधा से कैसे बड़े हैं प्रेम के संबंध में, और उसके बाद में लिखा है कि किस तरीके से राधा कृष्ण से ज्यादा बड़ी है। तो आप इसको सुनिए, और मतलब हिंदी के शब्दों की कहीं कमी नहीं है, और किस किस भाव से उन्होंने लिखा है। विश्व को मोह मही महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया काना, विश्व को मोह मही महिमा के असंख्य स्वरूप दिखा गया काना, सारथी तो कभी प्रेमी बना तो कभी गुरु धर्म निभा गया काना, रूप विराट धरा तो धरा हर लोक पे ऊपर छा गया काना, रूप किया लघु तो इतना के यशोदा के गोद में आ गया काना, रूप किया लघु तो इतना के यशोदा के गोद में आ गया काना, चोरी छुपे चढ़ बैठा अटारी पे चोरी से माखन खा गया काना, चोरी छुपे चढ़ बैठा अटारी पे चोरी से माखन खा गया काना, गोपियों के कभी चीर चुराए कभी मटकी चटका गया काना, गोपियों के कभी चीर चुराए कभी मटकी चटका गया काना, घाग था घोर बड़ा चित चोर, घाग था घोर बड़ा चित चोर था चोरी में नाम कमा गया काना, मीरा के नैन की नींद और राधा का चैन चुरा गया काना। तो अब ये कृष्ण के बारे में थी, और उन्होंने इसी भाव के ऊपर राधा के बारे में लिखा है, तो आप इसका भी आनंद लीजिए, महिलाएं ज्यादा आनंद लें पुरुष भी लें। राधा ने त्याग का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल बिछा गया काना, ये भी कहना के ऊपर ही है। राधा ने त्याग का पंथ बुहारा तो पंथ पे फूल बिछा गया काना, राधा ने प्रेम की आन निभाई तो आन का मान बढ़ा गया काना, काना के तेज को भा गई राधा, काना के तेज को भा गई राधा तो राधा के रूप को भा गया काना, काना को काना बना गई राधा तो राधा को राधा बना गया काना। क्या बात है, को काना बना गई राधा तो राधा को राधा बना गया राधा। और अगले तीन चार छंद जो हैं वो राधा के लिए हैं, तो आप वो सुनिए उसी। तो राधा भी मतलब ये आप ब्रज में जाएंगे तो दिखेगा कि कुछ लोग कृष्ण प्रेमी है, उनको लगता है कृष्ण का नाम लेना चाहिए, कुछ को लगता नहीं राधा बड़ी है, राधे 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 राधे। हाँ, तो भक्ति भाव के अंदर मतलब ये भी एक अपनी परंपरा है, उसका आनंद है। तो आप सुनिए अब राधा के बारे में कि राधा कैसे श्रेष्ठ है। गोपियां गोकुल में थी अनेक परंतु गोपाल को भा गई राधा, गोपियां गोकुल में थी अनेक परंतु गोपाल को भा गई राधा, बांध के पाश में नाग नथैया को काम विजेता बना गई राधा, बांध के पाश में नाग नथैया को काम विजेता बना गई राधा, तो काम विजेता को प्रेम प्रणेता को प्रेम पीयूष पिला गई राधा, विश्व को नाच नचाता है जो उस शाम को नाच नचा गई राधा, नाच नचाता है जो उस शाम को नाच नचा गई राधा, त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी नाम लिखा गई राधा। लोग अपने जीवन की तपस्या कितनी कर लेते हैं तो भी कहां कृष्ण तक पहुंचते होंगे, कहां ईश्वर तक पहुंचते होंगे। त्यागियों में अनुरागियों में बड़ भागी थी नाम लिखा गई राधा, रंग में कान्हा के ऐसी रंगी रंग कान्हा के रंग नहा गई राधा, रंग में कान्हा के ऐसी रंगी रंग कान्हा के रंग नहा गई राधा, प्रेम है भक्ति से भी बढ़ के यह, प्रेम है भक्ति से भी बढ़ के यह बात सभी को सिखा गई राधा,
ये प्रेम है भक्ति से भी बढ़ के, यह बात सभी को सिखा गई राधा। संत महंत तो ध्याया की ये सब, माखन चोर को पा गई राधा। क्या बात है, संत महंत तो माखन चोर को पा गई राधा। तो भक्ति का और ध्यान का मार्ग एक अपना होगा, पर प्रेम का मार्ग उससे सबसे और हम इस प्रेम से किसी से जुड़ जाएं और हम किसी व्यक्ति से ही जुड़ जाएं तो बहुत बड़ी बात है। और दो छंद और हैं। ब्याही न शाम के संग न द्वारिका, या मथुरा में थी ला गई राधा। तो ये भी मैं सुनाऊंगा, मेरे को बहुत अच्छा लगता है। रुक्मणी और राधा के दो अलग अलग व्यूज हैं कृष्ण के बारे में। राधा ने माखन चोर को देखा, पर राधा ने राजा कृष्ण को नहीं देखा। और रुक्मणी राजा कृष्ण के साथ रही, परंतु वो यशोदा की गोद में उसकी लीलाएं नहीं देख पाई। तो ये भी एक अलग बात है कि एक्चुअल में पाया किसने, वो राधा ने पाया या रुक्मणी ने पाया। जो रुक्मणी ने पाया वो अधिक समुन्नत है, या फिर जो राधा को मिला वो ज्यादा समुन्नत है। कुरुक्षेत्र ने पाया, दोनों ने खो दिया। हाँ हाँ। ब्याही न श्याम के संग न द्वारिका, या मथुरा में थी ला गई राधा। पाई ना रुक्मणी साधन वैभव, संपदा को ठुकरा गई राधा। किंतु उपाधियों मन गोपाल की, रानियों से बढ़ पा गई राधा। ज्ञानी बड़ा अभिमानी बड़ी, पट रानी को पानी पिला गई राधा। बहुत अच्छे। पट रानी को पानी पिला गई राधा। ज्ञानी बड़ी अभिमानी बड़ी, पट रानी को पानी पिला गई राधा। और ये अंतिम छंद जो राधा की महत्ता को बताता है। हार के शाम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। हार के शाम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। चाहे से विवाह नहीं हुआ हो, पर मंदिर राधा कृष्ण के ही बनते हैं। तो हार के शाम को जीत गई, अनुराग का अर्थ बता गई राधा। पीर पे पीर सही पर, प्रेम को शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा। पीर पे पीर सही पर, प्रेम को शाश्वत कीर्ति दिला गई राधा। कान्हा को पा सकती थी प्रिया, कान्हा को पा सकती थी प्रिया, पर प्रीति की रीत निभा गई राधा। कृष्ण ने लाख कहा, पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा। कृष्ण ने लाख कहा, पर संग में ना गई तो फिर ला गई राधा। कृष्ण ने लाख कहा, पर संग में ना गई तो फिर ना गई राधा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। आपने लिखी है राइट? ना, आशीष की बहुत अच्छा पढ़ा आपने, वेरी नाइस। आप गाते, आपने जिस तरीके से गाया है बहुत है। और ये भी अनुप जी उन्होंने ही गाया, मैंने नहीं नहीं नहीं, लेकिन उसका एक आपका अपना अंदाज है उसके अंदर, जो मजा आता है। बहुत पढ़ते है ना, जैसे आप छंदों को पकड़ते हैं ना, वो पकड़ का एक तरीका होता है। तो उसमें आज तो एक मोमेंटस मोमेंट हुआ है हमारे जूम में। नीलिमा जी ने लिखा है बहुत अच्छे तेज। बात है, मैंने ये वाली मैंने सुनी नहीं ना, पहली बार सुना तो मुझे बहुत अच्छा लगा। दैट दिस वाज न्यू। केवल आशीष जो है, मतलब 2013 में उनका देहांत हो गया। He was a very young chap, मतलब आई थिंक जब देहांत हुआ तब शायद वो 34-35 वर्ष की उम्र के होंगे। और बट वॉट ही रोट इज एनी सपोज ही वुड बी हेयर, देन वो बहुत अच्छा कवि होता और मंचों का सबसे बड़े कवि। पता है, सुनने में मजा आता है जिस तरह से आप पढ़ते हैं उसको, आपको उनकी वो है उसमें इतना मजा आता है सुनने में। और जहाँ एम्फेसिस करते हो आप, कई जो कुछ लाइनें ऐसी है ना जहाँ आपका एम्फेसिस बिल्कुल अलग होता है बोलने में, तो बड़ा मजा आता है सुनने में। जैसे होता है ना मीटर होता है, जैसे ताल होता है ना, उस तरीके से सो इजीली है। बहुत ही इधर तेज जी, हम कह रहे हैं कि रसखान का युग हिंदी में वापस आ रहा है। इस विषय पे डॉक्टर सरिता त्रिपाठी दिल्ली यूनिवर्सिटी की जो है, उन्होंने राधा और वीरा का जो वो किया है, सरिता शर्मा डॉक्टर सरिता शर्मा, वो भी गजब का आपने भेजा था। मैं वो हम बहुत दिन से उनको उनके मुरीद है हिंदी में, उन्होंने भी बहुत अच्छा लिखा है इन विषयों पे, इस तरह की। अब सब सवैये में है, गजब की विधा है सवैया। या वाजंट शी ऑन योर दैट सेव अ चाइल्ड वाले, उसमें कमाल का पढ़ती हैं वो और लिखती भी। नहीं, बहुत अच्छा, मजा आ गया था उसका सुनने में। फॉर मी दिस वाज द फर्स्ट टाइम लिसनिंग टू हर, इट वाज रियली बहुत, शी वाज वेरी गुड, शी वाज वेरी गुड। प्रश्न जी ऐसी हैं जो जिन पे बहुत सारे शोध हो रहे हैं सरिता जी को, तो
उनका लिखना भी बहुत 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 अच्छा लिखती है, बहुत श्रेष्ठ। नदी पे, समुद्र पे, राधा मीरा, इस तरह के बहुत भावपूर्ण उस पर, और नारी मन का, जो नारी का अंतस्थल है उसको छूते हुए। बहुत जीवन बहुत लंबा नहीं होना चाहिए, जीवन मुकम्मल होना चाहिए। दोनों हो तो अच्छा है, मतलब ये है कि क्योंकि पोटेंशियल अगर खत्म हो जाता है तो आगे का लॉस ही होता है, तो दोनों के बीच का। अनूप जी, आप कुछ सुनाना चाहते थे हिंदी उर्दू के विषय में, आपका स्वागत है। मैं ये कहना चाह रहा था कि ये जो बहस है हिंदी उर्दू की, ये जो बहस है, ये इस बहस का हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट जो है वो, उसके बिना इसको समझे, हिंदुस्तान में 18वीं शताब्दी से पहले एक भाषा थी, उसको कहते थे हिंदवी, और ये हिंदी और उर्दू दोनों उसी से निकली हुई, ठीक है। खुसरो ने सबसे पहले भाषा भी नहीं कह सकते उसको, वो बोली थी जो पश्चिम पंजाब से लेकर बंगाल तक अपने आप हल्के हल्के बदलती रहती थी, जैसे जैसे आप एक जगह से दूसरी जगह जाते थे। तो हुआ क्या कि, और ये केवल हिंदुस्तान में नहीं है, ये यूरोप में जर्मन के साथ था यही स्थिति, इटालियन के साथ था यही स्थिति, फ्रेंच के साथ था, अरेबिक के साथ था, तुर्की और पर्शियन और अरेबिक के बीच में ये ले की तरह चलती रहती थी। तो क्या हुआ कि प्रिंट कैपिटलिज्म, हम कम्युनिकेशन में हम लोग इस बात की जिक्र करते हैं कि प्रिंट कैपिटलिज्म जो है उसने इन भाषाओं को बांध कर एक बाउंड्रीज क्रिएट कर दी, क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस जब आया तो उसको लेटर फॉन्ट क्रिएट करने थे, और फॉन्ट क्रिएट करने के बाद उसने एक स्टैंडर्डाइजेशन किया, इसी को मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक भी कहते हैं, मॉडर्न स्टैंडर्ड अरेबिक भी उसी से निकला। तो ये सारे भाषाओं का क्या हुआ कि वो एक अपनी अपने दीवारें खड़ी कर ली सबने अपने। अब भारतेंदु ने इसके बारे में, जिसे अगर आप नागरी प्रचारणी सभा का शुरू की बातचीत देखेंगे तो वो स्टैंडर्डाइजेशन से जुड़ा हुआ है, वही स्टैंडर्डाइजेशन जो है ये हुआ कि उसी की लड़ाई हुई कि नस्तलिक में ही लिखा जाए या देवनागरी में लिखा जाए, और वो उसकी एक राजनीति थी। लेकिन टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा रोल था प्रिंटिंग प्रेस का, प्रिंटिंग प्रेस ने दुनिया भर की भाषाओं के जो फ्लूइडिटी थी वो खत्म कर दी, भाषाएं फ्लूइड थी बहुत। आप इसके लिए, मेरा सबसे बड़ा एग्जांपल मैं लोगों को बताता हूँ कि गुरु नानक जब हिंदुस्तान के सब जगह गए, उनके पास ना कोई ट्रांसलेटर था, उनको किसी ट्रांसलेटर की जरूरत नहीं थी, वो कहां कहां से किन किन लोगों की भक्ति के कविताएं इकट्ठा करके अब खुद भी सुनाते थे, दूसरों की कविताओं को भी लाकर सुनाते थे। आपने कहीं उनकी गाथा में ये जिक्र नहीं सुना होगा कि वो बंगाल पहुंचे या वो वहां पहुंचे उनको समझ में नहीं आया लोग क्या बोल रहे हैं। तो ये जो है ना, जो भाषा जिस तरीके से हम लोगों की बनी है, ये 19वीं शताब्दी का क्रिएशन है। और कई लोग इसको थोड़ा एग्जैजरेटेड मीनिंग भी क्रिएट कर लेते हैं, जो लेफ्टिस्ट करते हैं, लेफ्टिस्ट हिस्टोरियंस करते हैं, वो कर देते हैं कि नहीं नहीं, हिंदी इज इन्वेंशन ऑफ 19th सेंचुरी, दैट्स इवन नॉट ट्रू, हिंदी हैज ऑलवेज बीन देयर। और वो एक फ्लूइड भाषा, एक ऑर्गेनिकली ग्रो करती थी, पूरे हिंदुस्तान में बोली जाती थी, और ऐसा नहीं था कि नरेंद्र जी के गांव के रहने वाला आदमी अगर 17वीं शताब्दी में बिहार चला जाता तो उसको समझ में नहीं आता कि लोग क्या बोल रहे हैं, और बिहार का कोई व्यक्ति नरेंद्र जी के गांव चला आता तो उसको समझ में नहीं आता क्या बोल रहे हैं। ये तो बात है, इतनी फ्लूइड थी, ये तो प्रिंटिंग प्रेस का कमाल है। प्रिंटिंग प्रेस का कहना मतलब है कि 170 भाषाओं में अब हिंदी बोली जाती है। हाँ, बहुत सब ये पूरा फ्लूइड था। आप देखिए, किसी को आप गुरुमुख गुरना इंडिया का जो भाषा का जो असली ग्रंथ है ना, वो गुरु ग्रंथ साहब है। आप उसको देखिए, उसके अंदर जितने लोगों की के कविताएं हैं, या आपका जिस तरह मतलब कि आप कविता तो मैं कह रहा हूं, लेकिन सिख उसको शब्द कहेंगे, तो वो जो आप शब्द, उनके जितने शब्द हैं वो देखेंगे, उन्होंने कोई ट्रांसलेट नहीं किया किसी पंजाबी में, वो ऐसी की वैसी ही है जिस भाषा में थी। वो मैंने सुना पहले बार, मैंने लगा कि ग्रंथ साहब से क्या जा रहा है, वे शिवा पे मोह ये सुख कर्मन से कभाव न टरो, उसी में कभाव न टरो, तो हम तो यूपी मजरा करते थे। और उसी में आप देखेंगे कि पंजाब से सूफी लोगों की भी उसके अंदर रचनाएं हैं, और वो भी किसी ने ट्रांसलेट नहीं करनी पड़ी, वैसी की वैसी है जी, आप वैसी समझ सकते हैं। लेकिन वहां भी क्या हुआ है कि प्रिंट कैपिटलिज्म ने वहां भी एक असर मारा है। जब गुरुमुखी का स्क्रिप्ट आपको तैयार करना है और जब उसकी एक प्रिंटिंग प्रेस टेक्नोलॉजी आनी है, तो बाउंड्रीज क्रिएट करने लग जाते हैं आप सडनली, और वही बाउंड्रीज क्रिएट अब हो गई है। और उसको उस अगर आज आप किसी को बोल दें कि नहीं साहब, इसके अंदर तो सारी भाषाएं हैं, इसमें ब्रज भी है, तो जब आप देखेंगे मराठी भी है, मतलब मराठी भी उसमें कविता है। तो ये एक बेमानी सी एक लड़ाई है भाषाओं की, स्पेशली उर्दू और हिंदी। और
और एक और बात मैं बताना चाहूंगा कि इतिहासकारों का ये मानना है, और ये क्या कहते हैं, जावेद अख्तर साहब ने भी कहा है कि मुगल दरबार में फारसी बोली जाती थी, उनको तो खुद ही नहीं समझ में आती थी कि हम लोग क्या बोलते हैं। हम लोग जो बोलते थे वो उनको उनको ये नहीं समझ में आता था कि वो क्या बोलते हैं। उन लोगों के अपने अपने घर के अंदर तुर्की और फारसी बोली जाती थी, वो उर्दू नहीं बोलते थे। yes. उर्दू तो लोगों की भाषा थी। जो उर्दू का डेवलपमेंट हो रहा है वो पंजाबी से इन्फ्लुएंस्ड है और इतना खूबसूरत हो गया है वो अपने आप में। आज का जो जो बोलचाल की उर्दू है पाकिस्तान की, वो लखनऊ में रहने वाला जो उर्दू का जो बिल्कुल क्लासिकल उर्दू बोलने वाला होगा वो लिखा कि हमारी भाषा को ऐसा नहीं है, वो ऑर्गेनिक है, वो फ्लूइड है, वो अपने आप ही पंजाबी से मिलकर वो उभरा है। तो ये मेरे पड़ोस में एक तुर्की आया अभी रहने कुछ महीनों पहले, तो मेरी कार को देख के कहता यू कार का जो लाइसेंस प्लेट है शायर है, आर यू शायर? तुर्की का है। मैंने कहा यस, आर यू शायर? और बहुत तुर्की में अभी एक आजकल बहुत पॉपुलर हो रहा है एक सीरियल, एक टर्किश सीरियल बहुत पॉपुलर हुआ है, बहुत लोग देख रहे हैं, अर्दुगुल के नाम से। क्या कहलाता है? अर्दुगुल। तो ही इज द फाउंडर ऑफ टर्किश एम्पायर मानिए। और ये लोग तुर्की लोग जो हैं वो वहां के नहीं है जहाँ टर्की के हैं, वो एक्चुअली सेंट्रल एशिया के हैं, और उनका जो जैसे मुगल भी तुर्की है, तुर्क है, तो उनके उसके फाउंडेशन पे उसमें लोग देख रहे हैं इंडिया में, और मैं हर रोज देखता हूँ लोग बोलते हैं अरे यार ये तो हमारे जैसे बोलते हैं, तुम्हारी है ये भी हमारे। तो ये जो है ना शब्दों का जो उल्टा रिच होती है भाषा, दूसरे जगहों से शब्द ले लेकर और डिस्क्रिप्शन पढ़ता है। बिल्कुल। तो ये एक ऑनलाइन साइट है उसका नाम है ज्ञान गंगा, एक ऑनलाइन साइट है, उसमें क्या आता है कि जो भारत में जो थीसिस होती है बड़े सारे लोग जो वॉलंटियर्स सबमिट करते हैं, बड़ी सारी थीसिस जमा होती हैं। तो आप देखिए वहाँ पे बड़ा सा शोध हुआ, बड़ा सा रिसर्च हुआ, जिसमें उन्होंने कंपैरिजन किया तुर्की वर्ड को, फारसी वर्ड को, इंडियन वर्ड्स को, कि उसमें बड़ी सारी आपको एब्स्ट्रैक्ट मिलेंगे, पढ़ो कितना मजा आता पढ़ने में उन्हें। और मेरे 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 मित्र हैं वो तो अरबी हैं, तो उनको वो इजिप्ट से है, तो वो जो बात करते हैं तो मैं चौंक जाता हूँ कि इतने शब्द हैं हिंदी के, ऐसे कॉमन वर्ड्स हैं जो जो अरबी हैं। वो तो कहते थे ना कि बिहार, ईस्टर्न यूपी बिहार का में एक गमछा, तौलिया नहीं गमछा लोग इस्तेमाल करते हैं, गमछा बोलते हैं। आप जानते हैं गमछा जो है वो शब्द अरबी है, वो हिंदी का शब्द नहीं है। सबसे बड़ी चीज वाह, हम लोग कहते हैं ना वाह, हलवा, ये सब अरबी का। जलेबी करते हैं। तो ये तो एनरिच होती है भाषा इस तरीके से मिला के। लेकिन ये तो आप जैसे बताया ना कि प्रिंटिंग प्रेसों ने किताबों के अंदर उसको सीमित कर दिया, लेकिन आप जाइए पर्शिया से लेकर के वेस्ट बंगाल तक जाइए, भाषा में अभी भी इतनी प्लास्टिसिटी है। ट्रक ड्राइवर्स जो जीटी रोड पे चलते हैं, आप उनसे पूछिए, वो कभी कोई ट्रक ड्राइवर नहीं बोलेगा कि मेरे को बात करने में दिक्कत आती है, सामान में लुधियाना से उठाता हूँ और कलकत्ता पहुंचाता हूँ, कहीं और किसी कंट्री में होगा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं इतना घूमी नहीं हूँ तो मुझे पता नहीं है दूसरी कंट्रीज का, पर द रीजन आई नो उदयपुर में टूरिस्ट बहुत आते थे। The child who is on the street, who works as that quick guide, कि मैं आज तुम्हें यहाँ ले जाता हूँ, they spoke multiple languages so fluently without going to formal education in any school. हम तो स्कूल में थे तो वहां इंग्लिश सीखी, वहां हिंदी सीखी, घर पे मारवाड़ी और हमारी उदयपुर की एक स्पेशल बोली है अमंग बोरा ग्रुप्स, वो बोलते थे,
तो आई वॉज मल्टीलिंगुअल ग्रोइंग अप एंड हैड एन इजी ईयर, तो मैं पंजाबी भी समझ सकती थी, सिंधी भी समझ जाती थी, नॉर्थ इंडियन लैंग्वेजेस मेरे लिए बहुत ईजी थी. बट वेन आफ्टर माई मैरिज आई वेंट टू साउथ और मैं तमिल और कन्नडा सीखने की कोशिश की, आई फेल्ड मिजरेबली क्योंकि प्योर संस्कृत थी. बट देर वर लॉट ऑफ द रीजन आई वॉज इवन लिटिल बिट सक्सेसफुल इन द साउथ इंडियन लैंग्वेज बिकॉज दे आर सो स्ट्रांगली संस्कृत बेस्ड एंड आई हैड अ गुड sense of Sanskrit studying it in school after 6th grade. 6th से 11th grade तक मैंने संस्कृत पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगती थी. सारे दोहे रटे हुए होते थे मुझे और उनके मीनिंग आते थे. अब भी पढ़ लेती हूँ कुछ तो मैं बता सकती हूँ उनका मीनिंग. इट वॉज वेरी वेल, आई हैड अ ग्रेट टीचर, तो वो पॉसिबल था. पर नथिंग लाइक द किड्स ऑन द स्ट्रीट हु यूज्ड टू वर्क एज गाइड्स एंड हाउ फ्लुएंटली दे चेंज फ्रॉम जर्मन, पर्शियन, फ्रेंच, उर्दू, हिंदी, आप जो नाम इंडिया की ले. और इंडिया से साउथ इंडिया के भी लोग आते थे टूरिस्ट, वो साउथ इंडियन लैंग्वेजेस भी इतनी फ्लुएंटली बोलते थे. दैट इन इटसेल्फ शोज अस कि देयर आर मोर कॉमनैलिटीज अमंग लैंग्वेजेस देन देयर आर डिफरेंसेस, बिकॉज यू डोंट नीड फॉर्मल एजुकेशन टू लर्न दैट, जस्ट वॉच अ गाइड. एंड उन लोगों की जो सुनते हैं अपने लैंग्वेजेस में चेंजेस, इट्स वेरी अमेजिंग. इंडिया में एक बात, इंडिया में अगर आप सारी जगह की भाषाओं को देखेंगे तो एक ही भाषा, मतलब कि जो मेन बहुत इम्पोर्टेंट लिटरेरी भाषा है जिसका लिटरेचर बहुत बड़ा है, वो है तमिल, जिसका की सिंटैक्स अलग है. वोकैबुलरी तो बहुत सिमिलर है लेकिन सिंटैक्स स्ट्रक्चर डिफरेंट है. बाकी सबका सिंटैक्स स्ट्रक्चर संस्कृत है. ले अब महफिल को आगे बढ़ाते हुए मैं चाहता हूँ कि नरेंद्र जी महसूस होता होगा करते होंगे कि उसका सिंटैक्स हिंदी का और तमिल का काफी अलग है. नरेंद्र जी एक गुड डिस्कशन, या थैंक यू. कविता गाना चाहते देवल आशीष की. नरेंद्र जी सवाल कई बार ऐसे होते हैं कि आपको सिर्फ सवाल उठाने होते हैं, जवाब चाहिए नहीं होते ये सवाल के. लेकिन मैं आपकी जो चर्चा चली, एनरिचमेंट हर बार होता है तो अच्छा लगता है. मैं कल भी जैसे बात कर रहा था, एक मेरा सिंधी फ्रेंड है यहाँ पे और मेरे स्टेट की जो लैंग्वेज है हरियाणवी है, तो वो जब बात करते हैं मैंने कहा कि ये तो हमारी लैंग्वेज का वर्ड है, तो वो कॉमनलिटीज तो काफी है. बट चूंकि तेज भाई ने देवल आशीष का जिक्र किया तो मुझे उनका एक जिस गाने से बहुत ज्यादा पॉपुलर है तो मुझे लगा कि मैं वो गीत जरूर आप लोगों को सुनाऊं. मेरी तो बहुत ही बेकार आवाज है, आवाज पे ना जाइए, बस उनका वो गीत का कि वो अक्षरों का कैसा जादू करते हैं. प्रिय तुम्हारी सुधी को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुधी को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, तुम पर एक गीत लिखा फिर अक्षर अक्षर चूम लिया. प्रिय तुम्हारी सुधी को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, मैं क्या जानू मंदिर मस्जिद गिरजा या गुरुद्वारा, जिन पर पहली बार लिखा था अल्लड़ रूप तुम्हारा. मैंने उन पावन राहों का पत्थर पत्थर चूम लिया. तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया, तुम पर एक गीत लिखा और अक्षर अक्षर चूम लिया, प्रिय तुम्हारी सुधी को मैंने. हम तुम कितनी दूर धरा से नब की जितनी दूरी, हम तुम दूर कितनी धरा से नब की जितनी दूरी, फिर भी हमने साथ मिलन की पल में कर ली दूरी. क्या वैज्ञानिक शेर उन्होंने लिखा. फिर भी हमने साथ मिलन की पल में कर ली पूरी, मैंने धरती को दुलराया तुमने अंबर चूम लिया. प्रिय तुम्हारी सुधी को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया. ये बहुत बढ़िया मुझे गीत लगता था, तो जब तेज भाई ने जिक्र किया तो मेरे दिमाग में फिर से वो बजने लगा. मैंने कहा कि आप लोगों को एक बार जरा उनका दिखा दूं. नरेंद्र इसका अंतिम छंद और है, वो मैं पूरा कर देता हूँ. एक्चुअली मैं तो ये चाहता था कि आप सुनाओ.
नहीं नहीं इसका मैं अंतिम छंद क्योंकि कवि तो है नहीं आ भी नहीं सकते तो प्रियतम सुधि की गंध तुम्हारी ऐसी चूमी मैंने प्रियतम सुधि की गंध तुम्हारी ऐसे चूमी मैंने चरण अहिल्या के रघुवर ने चूम लिए थे जैसे चरण अहिल्या ने रघुवर के चूम लिए थे जैसे जैसे लकड़ी की मुरली ने जैसे लकड़ी की मुरली ने मोहन का स्वर चूम लिया प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया प्रिय तुम्हारी सुधि को मैंने यूं भी अक्सर चूम लिया तुम पर गीत लिखा फिर उसका अक्षर अक्षर चूम लिया प्रिय तुम्हारी सुधि बहुत फेमस देवल आशीष को प्रसिद्ध कराने वाला एक ये गीत है बहुत ठीक है मैंने कभी नहीं सुना था आज पहली बार आप दोनों से सुन रही हूँ जरूर सुनिए यार देयर इज अ लॉट वी डोंट नो अबाउट इंडिया इज सो रिच इन इट्स कल्चरल हेरिटेज एंड ही आल्सो इज वेरी वेल ऑन ओल्ड आशीष अभी कुछ दिनों से काफी रीडिस्कवर हुए हैं और बहुत पॉपुलर हो रहे हैं इंटरनेट पे भी काफी इनका जिक्र है और उर्दू मंचों के ऊपर भी बहुत आत्मविश्वास से और दर्शकों को जोड़ते हुए बहुत अच्छी कविताएं और गजलें उन्होंने कही है Thank you, Vimi, for reminding. Please, everybody, join us for India Hindi Day. Hindi Divas ko zarur aayega. In fact, join kariye. Bahut acha lagega. Dhanyawad. You know, I will post the flyer in the group. Ek kaam karo, Tasneem, tum usko link isse attach kar do Hindustani Mehfil se. Aur main Zoom ki link bhi de dungi. Haan. Zoom and flyer together. If you forgot to register, you still can join us. And yes. If you miss, if you are blocked out of Zoom because 100 people are already there, it will be Facebook Live too. So it's mostly children presenting in Hindi and all, but it's, and also there are adults. There is a program by adults too. पोएट्री भी है अंजू जी आने वाली थी इनका हो गया ना अभी इस बार बट शायद आप लोग सब थोड़े लोगों ने सुना है कल्पना को कल्पना दाहिया कल्पना राणा जो है वो कनाडा की जो आई थी वहां पे लाइब्रेरी में शी इज रिसाइटिंग अ पोएम एंड देन आई थिंक सम तेज जी यू आर वन ऑफ द संचालन राइट आप कर रहे हो ना एमसी अलॉन्ग विद रेनू संचालक है पता नहीं कैसे करेंगे पर मेरे को बताया कि मैं भी एक हूँ Yeah, aap Richa Ritu hain and so yeah, so I want most people to be attend that. It would be nice. Uska time hai 3 baje se 3 se 5 hai. September 20th. Yeah. Hindi Divas ka haan. To aap log sab register kar lijiye yadi nahi kiya ho to. Yeah. Their efforts are nice. They are trying to spread the Hindi and actually make sure that more young children are speaking it, using it and even in school. Starting that biliteracy ka jo hai na seal of biliteracy through ODE to koshish kar rahe hain and I think that's why they continue to do these programs and hopefully we will have our kavi sammelan this year ye last wala to nahi ho paya par agli bar jo hai ji aapko pata hai ki wo logon ko zoom se aap bata sakte hain wo logon ko zoom se judne ke liye keh rahe hain ya facebook live pe dekhne ke liye keh rahe hain so they asked first 100 participant to zoom pe hi jayenge पर फिर अगर वो ब्लॉक हो जाता है दे वॉन्ट पीपल टू ऑल्सो गो फेसबुक लाइव ताकि क्या है कि फेसबुक लाइव पे जाने से यू नो अदर पीपल इन योर ग्रुप ऑल्सो नो अबाउट इट एंड मोर पीपल कैन वॉच इट सो दैट्स द आइडिया सो दे वॉन्ट बोथ मैं दोनों ही भेज दूंगी पहले जूम पे जाए हम लोग और फिर वो जूम पे नहीं आने दे तो फेसबुक पे देख लें ऐसा ही ना हाँ एग्जैक्ट It was a pleasure today, हाँ गिरीश जी ने बहुत अच्छा संचालन किया वो जरूर जाना पड़ा मैं तो सोच रही थी कि अलका जी और गिरीश जी भी अभी कुछ पढ़ेंगे पर regardless, I thoroughly enjoyed listening to all of you, but especially अनूप जी तेज जी and नरेंद्र योर पोएट्रीज वर अमेजिंग आप लोगों की पोएट्री थोड़े एंड पैडी जी मुश्ताक वॉज लिसनिंग टू योर सॉन्ग ही केम इन बिटवीन वो अपने ट्रैक पे जाते हैं वीकेंड पे तो sometimes it becomes very hard. तो मुझे छोड़ के फिर वापस गए एंड देन इन बिटवीन ही केम ही वाज लिसनिंग टू आज चल के गुनगुना रहे थे वहां पे क्योंकि दैट्स वन ऑफ हिज फेवरेट सॉन्ग नो नॉट आज चल के आप क्या गा रहे थे आज दूसरा था रात कली एक ख्वाब में आई सो ही वाज लिसनिंग टू दैट एंड देन ही लेफ्ट अगेन सो बट इट वाज वेरी लॉट ऑफ फन टुडे आज बहुत अच्छी अच्छी चीजें सुनने को मिली और
Adiji, how is your job search going on? I'm sorry? No, that was directed to Paddyji. It is going on. It is slow right now. Still, the market is very tight. Sometime or the other, something will pop up. Okay, yeah. Sir. We'll stay connected on LinkedIn. Yeah. And thanks, Utsav ji, for getting us Ramesh Joshi aur aapki to poem maza aata hi hai. Bahut hi maza aata hai usme bhi. Joshi ji, bahut unse phone se baat hui hai, karib ek mahine se. Bahut inki deep knowledge hai. Certainly, umr daraz hai to usi tarah anubhav bhi hai. Aur bahut achhi achhi baatein unhone aaj kahi. Yeah. नहीं अच्छा लगा जैसे कि घर में हम चाहते हैं ना कि देखिए लोगों को थोड़ा वो चतुर्वेदी जी बोलिए हाँ इन्होंने तस्नीम जी ने मेरा वो ब्लॉग करवा दिया था माइक बीच में लेकिन मैं सुन रहा हूँ नहीं वो हम समझ रहे हैं सुन रहा हूँ मैं कहीं ये आदमी ज्यादा डिस्टर्ब करेगा इसलिए इसको म्यूट करवा दो नहीं फॉर योर इन्फॉर्मेशन हमने पूछा उन्होंने कहा कि आप वहां से कर सकते हैं यहां से अगर है तो आप वहां से कर सकते हैं गलत समझने वाला बोलता नहीं है वो मन में रखता है नहीं जोशी जी आप फोन पे थे तो डिस्टर्बेंस तो मैंने ये याद रखिए कि गलत समझने वाला बोलता नहीं है वो जितने भी गलत आदमी होते हैं वो नहीं जितने भी गलत आदमी होते हैं वो चुप रहते हैं जोशी जी आप गुड वन किसी से बात हो रही है आपने ये जोशी जी आपने बहुत अच्छी बात कही आजकल के कवियों के बारे में हम देख रहे हैं वो जैसे हम किसी एक की बात नहीं कर रहे हैं एक दो लाइन लिख के जिंदगी भर वही गाते हैं नंबर एक दस साल पहले ऐसा, भी ऐसा ऐसा है नंबर टू लगता है नंबर टू ऐसा लगता है कि भाई नई कविता क्या पता जमेगी कि नहीं नहीं जमेगी तो अगली बार कोई बुलाएगा नहीं अच्छा दूसरी बात ये है कि हमने एक दो लोगों से सवाल उठाया तो आरोप लगाने लगे कि अमेरिकन यही समझते हैं यही मस्खरी ही चाहते हैं वो पैसा देते हैं $14-15 $20 का टिकट तो उनको वही सुनाना चाहिए जो वो लाइक करते हैं और हमें लखनऊ के एक कवि ने रोचेस्टर में कहा था कि आप लोग जब समझने लायक हो जाएंगे तब हम लोग अच्छी कविताएं भी सुनाएंगे तो ये भी बात नहीं है ये दोनों बात है ही भाई अगर आप घटिया नेता के भाषण पर तालियां बजाएंगे हाँ, तो ये भी तो सही। और घटिया होगा और घटिया होता चला जाएगा दोनों बात उसकी देखा देखी दूसरे नेता घटिया स्टेटमेंट देने लग जाएंगे तो होगा ही भाई हम लोगों को सबसे अच्छा तरीका है कि अमेरिका आप ऐसे घटिया लोगों को बुलाए ही नहीं हम तो बहुत दिन से कह रहे हैं हमें आश्चर्य है कि डॉक्टर ओम पवार यहाँ नहीं आए गए मतलब इट इज सेम फॉर एस ओम पवार को हम लोग नहीं देखिए जो भी मंच का धंधा करते हैं उनके पास आपको ज्यादा सामग्री नहीं मिलेगी वही है तो चल रही है जिस तरह से तेज पारिक ने बहुत बढ़िया लय में सवैये सुनाए उस जमाने की कविता की यही विशेषता थी कि वो गाई भी जा सकती थी और एक उसकी पर्टिकुलर लय होती थी और एक सब्जेक्ट होता था उसमें एक स्टोरी की तरह से वो चलती थी इसलिए वो समझ में आती थी और आनंद देती थी बराबर तो उस कविता से जुड़िए मैं यही कहता हूँ कि किताबों से जुड़िए बच्चों को किताबों से जोड़िए और पढ़िए साथ साथ गाइए तो अपने आप को हिंदी भी बचेगी और अच्छी कविता भी आप तक पहुंचेगी अच्छे ख्याल भी पहुंचेंगे और मैं सोच रहा हूँ कि ये बहुत समय बाद सुनी मैंने पहले कभी सुनी थी ये दोनों ही राधा और कान्हा वाली लेकिन सुनने के बाद मुझे लगता है कि मैं शायद विश्वा के किसी अंक में दोनों को साथ साथ ही छाप दूं बहुत अच्छा और दूसरे लोग भी इनको पढ़ें आनंद लें और खैर उसमें बताया तो नहीं जा सकता कि किस तरह से पढ़ें क्योंकि वो जो उसकी नोटेशन होती है म्यूजिक वाली वो मुझे नहीं आती लेकिन फिर भी थोड़ी कोशिश की जा सकती है तो हो सकता है कभी आप विश्वा में इस तरह की चीजें देखें आगे तो से रमेश नहीं मैंने ये सोचा ही नहीं था कि इस तरह की कविताएं आप लोग सुनते हैं और पसंद करते हैं नहीं तो हम लोगों को एकदम जीरो भी मत समझिए
नहीं देख भाई, ऐसा है कि मैंने जो देखा वो आपको बता रहा हूँ मैं। अब ये देखिए लोग, ये जोशी जी सुनने वाले क्लीवलैंड में ऐसी एग्जैक्टली। और रमेश जी एक बार फिर से आपको बता देती हूँ कि आप शायद फोन पे थे तो उनकी आवाज नहीं आ रही थी अनूप जी की, इसलिए मैंने बोला आप तो वेलकम है। ऐसा ऐसा है कि आप एक्सप्लेन करके ये बता रही हैं कि आप मुझे नहीं समझे। यू आर वेलकम एनी टाइम, हमको तो बड़ा भाई, मैं तो 40 साल टीचर रहा हूँ और अब भी अपने आप को टीचर मानता हूँ, और कैसे कैसे स्टूडेंट्स उसको मिले होंगे 40 साल में, तो वो बुरा मानने का तो सवाल ही नहीं है भाई। जी हाँ जी हाँ। और जोशी जी, हम एक वेलकम संस्कृत के कवि सम्मेलन का आयोजन इसी तरह करने जा रहे हैं निकट भविष्य में। संस्कृत में इतने अच्छे अच्छे कवि आजकल हो रहे हैं युवा, एकदम की कोरोना पे सोचिए 52 छंद श्लोक लिख रहे हैं और एक से एक, तो हम ऐसे लोगों को बुलाने का प्रयास कर रहे हैं, आपको भी इनवाइट करेंगे। हाँ नहीं देखिए, अच्छी कविता सुनने से अच्छा माहौल बनता है। अच्छी चीज आप पढ़ेंगे तो किसी को पता नहीं लगेगा, लेकिन पढ़ने के बाद आप अपने अंदर ही इम्प्रूवमेंट अनुभव करेंगे कि मैं एक बेहतर आदमी बन गया इस पढ़ करके। तो अच्छी किताबें पढ़िए, अच्छी कविताएं सुनिए, और मुझे बहुत अच्छा लगा। और आप चाहें तो इसकी एक रिपोर्टिंग कर सकते हैं कि भाई ये प्रयास हमने कब से शुरू किया और किस तरह की रचनाएं हम सुनते सुनाते हैं। अपनी रचना ही जरूरी नहीं है, दूसरी अच्छी रचनाएं सुनने से भी फायदा होता ही है भाई, वो चाहे चतुर्वेदी जी की लिखी हुई हो, चाहे दिनकर जी की लिखी हुई हो, अच्छी रचना तो अच्छी रचना है। तो आप दूसरों की भी अच्छी रचना सुनते सुनाते हैं, ये भी एक बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं ये तो है, वे तो मतलब हम लोग नहीं, और इसके ये कब शुरू हुई, न्यूयॉर्क में एक इस तरह की संस्था बना रखी है उन्होंने अदबी संगम बोल करके, और मैं पिछले साल आया था तो लौटते वक्त में न्यूयॉर्क में रुका था, उन्होंने कहा था कि भैया आपको जो है वो जाते समय एक रात हमारे यहाँ रुकिएगा, तो मैं शनिवार को पहुंचा था सवेरे, फिर शाम को उनके कार्यक्रम में शामिल हुआ और नेक्स्ट डे संडे को मैं दिल्ली आ गया। तो 50-60 लोग इकट्ठे होते हैं, सुनते सुनाते हैं, और बहुत अच्छा माहौल है, और आपने भी इस तरह का माहौल बना रखा है, इसको मेंटेन कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़िए। और किस तरह से आपने शुरू की, आप उसके बारे में लिखना चाहें तो अच्छा लगेगा। और कैलिफोर्निया में भी एक ऐसा नहीं, ये कोई ऐसा नहीं है, ये तो हमारे ही समाज की, हमारे ही लोगों की चीज है, तो इस तरह की सूचनाएं भी आनी चाहिए, और आप बना के भेजिए, मैं उसको किसी रूप में और लोगों की सूचना के लिए डालना चाहता हूँ, आप बना के भेजिएगा मुझे। हाँ ठीक है, हम लोग भेजेंगे। और हम जस्ट बता दें, कैलिफोर्निया में भी एक ऐसा ग्रुप है, वो लोग 2 महीने में एक बार बड़ा अच्छा कवि सम्मेलन करते हैं, पिछली बार उन्होंने हमें इनवाइट किया था देखने सुनने के लिए। वो नीलू गुप्ता वगैरह तो नहीं है? कौन, क्या नाम है? नीलू गुप्ता वगैरह वो तो नहीं है शायद, में भी वही वो एक अलका, क्या नाम है उनका, फ्रेमोंट में क्या है, नहीं वो दोनों सिटीज नहीं है, सिएटल में है, लेकिन उसमें जो जुड़ने वाले हैं वो मेरे ख्याल से वो क्या नाम सुनीता या क्या करते हैं, शुक्ला 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 तो नहीं है, कौन, नहीं शुक्ला नहीं, अभिनव शुक्ला सिएटल में शुक्ला है, उसने रिपोर्ट भेजी थी के इस तरह से वो गोष्ठी की थी, वो असल में उनको हम बुलाए थे, अभिनव शुक्ला की बात आप कर रहे हैं? हाँ अभिनव शुक्ला, हाँ वो हमारे दोस्त हैं, इनको बुलाए थे पिछली बार पर्यवेक्षक के तौर पे, वो भी अच्छा लिखते हैं, और मतलब एक वो दूसरा वो सवैये वगैरह सवैया टाइप कुछ नहीं, अभी राम मंदिर पे गजब की सवैया लिखा था, रियली हम उसी सवैये को पढ़ के उनको बुला लिया, गजब की सवैया लिखा था, एक एक शब्द जैसे की एकदम गढ़ गढ़। तो मतलब यह भाई ऐसा है ना कि जब ये पुरानी शैली की कविताएं पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा कि ये आजकल क्या तमाशा हो रहा है, जब पुरानी चीजों को पढ़ेंगे ही नहीं तो कंपैरिजन कहाँ से करेंगे। हाँ ये बात सही है, सवैये में गजब की ताकत है, गजब की ताकत है, जैसे रुबाई में है, जैसे ताकत उर्दू की रुबाई में है, वैसे सवैया है। हाँ हाँ अच्छा, तो सवैया
कवित्व और सवैया दोनों ही। कवित्व सवैया दोनों बहुत अजब है। नरेंद्र जी अब आप पटाक्षेप करिए, अब तो मतलब ज्यादातर लोग जा चुके हैं लेकिन फॉर्मली। हाँ हाँ, नहीं नहीं बहुत बहुत अच्छा रहा भाई सर चतुर्वेदी जी, बहुत बहुत अच्छा लगा। और लेकिन ये टाइम ऐसा है कि मुझे लगता है कि अब सोचता हूँ कि बच्चे सवेरे 5-1 बजे आ जाएंगे, 2 बज ही गए। हम लोग इस मुद्दे पे सोचे लेकिन कुछ हो नहीं पाया, यहाँ के लोगों की आम सहमति नहीं बनी, नहीं तो नहीं हो पाया। वो बच्चे जो हैं वो बिटिया अंदर चली गई तो वो चल पड़े थे, और मेरे ख्याल से वो 5 बजे पहुंच जाएंगे, 2 बज ही गए हैं, तो सोचता हूँ कि एक आध आर्टिकल लिख लूंगा तब तक सवेरा हो जाए। जोशी जी मुझे एक बात बोलो, आप सुशीला जी है ना, आपको 28 अगस्त को एक कुछ भेजी थी ईमेल, तो मैं तब से आप उसको देखना एक बार, पता नहीं आपने देखा है कि नहीं, उसमें वंदना भारद्वाज है सब्जेक्ट, और आप देखना एक बार उसको और बताना आपकी क्या राय है। और अपना फोन नंबर आप मुझसे शेयर कर सकते हैं क्या? भाई ये कौन सा कोई मोदी जी का फोन थोड़ी है। नहीं मेरे हस्बैंड के पास तो है, नहीं वो है आपका उसमें है, लेकिन या कोई ऐश्वर्या राय का फोन थोड़ी है जो सबको पता नहीं होगा। अरे वो इस मैं मुझे वो मेरे हस्बैंड आपको अच्छे से जानते हैं। लेकिन अगर मैं सारे दिन घर पर ही रहता हूँ और बच्चे मुझे बाहर जाने नहीं देते, दिन में 2-3 बार मुझे आपसे बात करके अच्छा लगा, मुझे लगा मेरे पापा बोले जा रहे हैं।